हरे कृष्ण। तो कल हम लोग 7 तक पहुंचे थे, याद है ना? कल 4 ही श्लोक हुआ, लगता 15 अध्याय पूरा नहीं होगा, वापिस 3 दिन आना होगा। चलिए, मौका मिलेगा तब आएंगे। तो निकाल दे दो। तो कल का प्रवचन से और पहले दिन के प्रवचन से किसको क्या याद है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कल का आज याद नहीं, तो सब लोग गजनी हो गए, है ना? बताइए कल के लेक्चर से क्या याद है, किसको याद है? हाँ बोलो। उधर बाहर में कितना चिल्लाता है, इधर बोले ना, आज आपने बचा था, जोर से बोल। नहीं ना, ऐसी बोलो, क्या बोल रहे हो? तो कृष्ण भगवान का तो रोज ही चल रहा है, बैठ नीचे। किस चीज का? चाची के बारे में। हाँ वो, अच्छा अच्छा, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, ये पक्का चोर है, ये जरूर आसपास चोरी करता होगा। हम लोग जब बच्चे तो नहीं थे, नौवी कक्षा में थे, तो वो हमारे साइड में ना कोकम रहता है, मालूम? कोकम डालते मराठी लोग, उसमें शक्कर डालते, नमक डालते, फिर उसको कोकम का शरबत के लिए तैयारी करते माता जी लोग, और धूप में रख देते ताकि धूप से वो बने। तो वो ऐसा था कि हम 3 दोस्त थे, कभी किसी का पेरू देखते थे, किसी का नारियल देखते थे, कुछ देखते थे तो थोड़ा सा ले लेते थे। तो वो जो उस टाइम मेरी बारी थी, वो पकड़ा मैंने, तोड़ के हम सबने मिल बांट के खाया, वो डंडा लेके अम्मा आई वो, और जब मारने को आई तो हम सब भागे वैसे ही छोड़ के। 3 साल बाद जब 12वीं पास किया, उसके बाद जब आया, तो वो मैं उधर से जा रहा था, मुझे लगा ये भूल गई होगी, बोले क्या रे चोर। बाद में समझ में आया भगवान में वो गुण है ना, इसलिए सब जीवों में वो गुण थोड़ा थोड़ा है। और कौन सा लीला किसी को याद है? किसका? हाँ हाँ, स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर। बोलो द्रौपदी माता के। उस लीला से हमने ये सीखा कि कैसे भगवान, जब भक्त अपने सारे ताकत लगा के खत्म हो जाता है और उसके पास कोई उपाय नहीं बचता, तो भगवान बीच में आके, खुद आके कुछ रास्ता निकाल देते हैं। 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अरे अर्जुन, वैसे तो मैं किसी का द्वेष नहीं करता, ना मुझे कोई अति प्रिय है, क्योंकि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर कोई मेरे भक्ति करता है, एकदम मेरा दिल से मेरे बारे में सोचते रहता है, हमेशा मेरे चिंतन में लगा रहता है, मेरे सेवा में लगा रहता है, उसको और कोई सूझता ही नहीं है, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मैं उसको खास उसके जीवन में उतरता हूं, खास जो कोई नहीं करेगा उसके लिए मैं खास करने चल जाता हूं। जैसे आपने तुकाराम महाराज का कहानी सुना होगा महाराष्ट्र में, बोलो तुकाराम महाराज के। तुकाराम महाराज का एक किस्सा सुनाता हूं। तुकाराम महाराज इतने भोले भाले थे कि एक बार उनको काम तो था नहीं, दिन भर रात भर कीर्तन ही करते थे, बोलिए विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 तो तुकाराम महाराज हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते थे। तो उनको पत्नी बोलती थी, फिर ऐसा करिए ना, कहीं ऐसे जाके भजन करेगी 2 रोटी भी आ जाए। ये ऐसे व्यक्ति थे, इनको भजन बोलते थे, हरि भजन करेंगे भगवान सब दे देंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सच है, लेकिन क्या है ना, हमको उतना भरोसा नहीं रहता, इसलिए हम थोड़ा जाके नौकरी कर लेते। अरे देखो, कोई बच्चा पागल भी रहता है घर में, तो फिर भी उसको माँ खिलाती कि नहीं खिलाती? जो बहुत मेहनत करता है उसको बोलते चल खुद खा, और जो पागल रहता उसको तो मम्मी लेके खिले।
अब मरते मरते मम्मी पूरा प्रॉपर्टी उस पागल के नाम करके जाती है। तो इस संसार में आप करता हम करेंगे तो भगवान बोले फिर तू करते रहे। तो तुकाराम महाराज खेत में काम करते थे, काम नहीं करते थे, तो उनको एक आदमी ने क्या बोला, वैसे भी तुम भजन करते हो तो मैं एक ताड़ जैसा लगा दूंगा, उस पर बैठो और रात भर भजन करो, मेरे खेत को देखो कहीं कोई बैल वेल आके, कभी कभी होता है ना हाथी बैल सब आके खा जाते हैं। बोले ठीक है, क्या बात है, अंत में तुम्हारे घर पे भी मैं कुछ भेज दूंगा। बोले ये भी ठीक है। तो तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, फिर सुबह चले जाते थे, तो उनको दो तीन गन्ने का डंडा देते थे, वो चार डंडा अपना चलते थे। उनके दो बेटे दो बच्चे तो थे, एक बेटा एक बेटी, लेकिन ये इनका बेटा बेटी ये समझे तब ना, डंडा ले जाते बीच में, बोलते थे तुकाराम जी हमको चाहिए, बच्चे लोग बोलते थे हाँ ले लो, बांट बांट के लास्ट में एक डंडा बचता था, घर जाते थे। बी बोली ये क्या, दो बच्चे और तुम सबको बांटे और एक ही डंडा लगा, गुस्से से डंडा पटक दिया तो डंडा दो टुकड़ा हो गया। तो तुकाराम बोले देखो अब दोनों बच्चे के लिए दो दो हो गए। ये दर्शन है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जिसका खेत था ना उसका कोई द्वेष था, द्वेष करता था, उसने क्या किया, तुकाराम महाराज मग्न है उस समय में, उसने बैल और ये सब छोड़ दिए और उसने पूरे खेत का नासा धूस कर दिया। तो वो मालिक भड़क गया तुकाराम पे, तू क्या कर रहा था, तुझे किसके लिए रखा है, कम से कम हमको बता देता। नहीं तुकाराम देखेंगे तब ना, वो तो अपने दुनिया में चले गए थे। तो ये अब सवाल गिर गया। अब तुकाराम को बोले अब तुमको तुम्हारा घर जो है गिरवी रखना होगा, अगर मेरा हर साल जितना उत्पन्न नहीं आता है उतना अगर नहीं आया इस साल तो तुम्हारा घर बेच के मैं पैसा लूंगा। तो तुकाराम घर गए, देखो तो बीबी गोबर से घर को निपोत रही है। तो बोले अब ज्यादा आसक्ति मत रखो। बोले क्यों, बोले ऐसे से हो गया। बोले तुम कैसा है, जो घर है वो भी लुटा दिया, कम से कम पहले नौकरी नहीं करते अपना घर तो था। तो वो बोले ये घर जिसका है पहले तो हमारा नहीं था, जिसने हमको दिया है वो वापिस ले रहा है। विठला तू वेड़ा कुंभार, तूच घडविशी तूच फोडिशी तू वेडा कुंभार, विठला तू वेडा कुंभार। हे विठल, विठल कृष्ण को कहते हैं, तू पागल वो है कुंभार होता है ना जो मट्टी का घड़ा बनाता है, तू ही बनाता है और तू ही तोड़ता है, इसलिए तू पागल है। ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। तो यहां पे जो बोले पत्नी को कि जिसने दिया था वो ले रहा है तो तुम्हें किस चीज का दुख हो रहा है। अब पत्नी और पति का एक भी समझेगा नहीं, पति क्या करता है अपने पति को शांत कर, पत्नी को शांत करने के लिए लेक्चर वाले भाषा में उत्तर देता है, फिलोसफी वाले उत्तर में। और लेडीज लोग का इमोशन ज्यादा होता है, जे घर पे अगर पंखा बंद हो गया तो पत्नी चिल्लाना चालू करो, देखिए ना ये अभी कल ही लाया था, देखिए खराब हो गया। पति बोलता चेक काम करो, स्क्रू ड्राइवर होगा लेके आओ। कैसे क्या हो गया, साइड वाले ने हमारे साथ लिया उसका नहीं हुआ। पति बोलता है ठीक है, वो स्क्रू ड्राइवर पड़ा है ड्रॉअर में लेके आओ। ऐसे कैसे, हमने पूरा पैसा दिया फिर भी बंद हो गया। अरे ठीक है स्क्रू ड्राइवर ले लो, लेकिन स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं आएगी, सब बताएगी। पति बोलता है ठीक है, खुद ही जाके लाता है, देखता है थोड़ा कैपेसिटर का वायर हिल गया, बस हो गया ठीक है चलो, अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है। तो तुकाराम महाराज सोचे कि इसको क्या बताऊं। फिर क्या हुआ, जब धान काटना गया सब हो गया तो भगवान बोले कि मेरे भक्त का अपमान मैं नहीं सह सकता। भगवान ने 8 गुना धान उसमें डाल दिया। आई लोग गिनते रहे, देखा 7 पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। तो वो आदमी भी बहुत ईमानदार था, उसने क्या किया, वो 7 पार्ट लेके तुकाराम जी को दे दिया। बोले मुझे माफ करिए, आप इतने बड़े संत हैं और मैं ऐसा गलती आपके साथ कर रहा था, तो कृपया करके मुझे माफ करिए, आप ही ले लीजिए। तो पत्नी बड़ी खुश हो गई, बोले एक काम करो इसको अंदर डाल दो। तुकाराम बोले नहीं, ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो जान गए ये भगवान का है। तो उन्होंने बोला जितने भी लोग हैं सबको बांट दिया, ले लो। ऐसा पति जिसको मिलेगा उस अम्मा को तो 10 हार्ट अटैक आएगा दिन में, बोले बाप रे बाप कैसा पति, असला नवरा नको गई मला, असला नवरा नको, ऐसा पति नहीं चाहिए। तो एक बार तुकाराम महाराज जब कीर्तन करते थे, लेकिन बनिया समाज से थे, मारवाड़ी लोगों के लिए खुशखबरी, आपका भी कोई नेता है, वैसे तो वो
आपके क्या नाम नरसिंह मेहता भी बनिया समाज से थे, भक्त तो भक्त कोई भी समाज से हो सकता है, व्यासदेव वाल्मीकि ये तो बैकवर्ड कास्ट से थे अगर देखा जाए तो, लेकिन उन्होंने शास्त्रों को लिखा, भगवान ने उनको चुना, भगवान जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो पवित्र हो जाएगा। हनुमान जी तो वानर है, लेकिन हनुमान जी का स्मरण करते ही भगवान राम का स्मरण हो जाता है, वो जीवन धन्य है। उच्च जाति नीच जाति वो क्या है, जो खाता है वो वही टट्टी सबका बाहर निकलता है, तो ऊंचा नीचे क्या है, कौन सा पीला काला निकलता है। और नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, पहचान पहचान इसमें से उनको, तो ऐसा वाला बात है ये, कोई भेदभाव नहीं, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मुझे सभी प्रिय है और मैं किसी का द्वेष नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरा भक्ति करता है तो वो मेरे एकदम याद में रहता है। देखिए आप भी आपके जीवन में कभी कोई आपका गुणगान किया हो कहीं पे, आपको याद रहता है, कोई स्टेज पे बोल दिया हो कि अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, अरे ये माता जी बहुत दान देती, बहुत अच्छी माता जी, वो हमेशा याद रहता है। वैसे भगवान का भी कोई गुणगान कर लो ना, अरे जैसे आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में गरीब हैं, किसी झोपड़ी में रह रहे हैं, और वहीं बैठ के आप जप करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान गोलोक वृंदावन से देखते हैं, बोले कौन है ये तो पापी है, ये कब से सुधर गया। वो अंदर अंदर बोलते भगवान क्या करूं, थोड़ा थोड़ा इच्छा भक्ति का। तो तुकाराम महाराज बनिया थे, व्यवसायी समाज से थे, उनके ससुर जी क्या सोचे कि मेरी बेटी बेचारी गरीबी में रह रही इसके कारण, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे बेटी को डायरेक्ट तो पैसा दे नहीं सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता उसके पति को छोड़ के देना, ये अच्छा बात नहीं है, तो कैसे दे। उसने सोचा कि मैं कोई सामान दे देता हूं तुकाराम महाराज को और वो बेचेंगे, जो पैसा आएगा घर पे रखो हमको मत दो, उसके पिताजी ने सोचा। तो बहुत सारा मिर्ची लाके तुकाराम महाराज को दे दिया, बोला आप बेचिए, जो पैसा आएगा घर ले जाइए, उसी बहाने कुछ पैसा घर जाएगा, क्योंकि तुकाराम महाराज की पत्नी को एक ही साड़ी था, एक ही साड़ी, कितना मतलब नहाने को जाती थी तो पहले वो होता था ऐसा लगा रहता था साड़ी बाहर, वो नववारी साड़ी 5 मिनट में सूख जाते हैं, उसको वहां करके उसकी बेटी डाल देती थी पत्थर पे, 5 मिनट सूखे तब तो वो नहा लेती थी, फिर वो साड़ी ले लेती, उसका भी एक लीला है इसके बाद बताऊंगा। तो जो मिर्ची है ये मिर्ची लाके रख दिया, और दूसरे दिन देखा तो जहां बाजार लगता है ना वहां तुकाराम महाराज भी खड़े, बाकी लोग बोले काय बुआ क्या बात है आज आप भी। तुकाराम बोलते हैं हाँ आज बहुत मिर्ची आ गया तो मैं भी सोचा मैं भी बेचू। बनिया लोग बोले बहुत हरे कृष्णा ये सब विट्ठल विट्ठल करता आज क्या हो गया इसको। तो बोले अच्छा आपके मिर्ची का कीमत कितना है, बोले कुछ नहीं, एक बार विट्ठल बोलने का 1 किलो लेके जाने का। तो पूरे बाजार में आने लगा आवाज विट्ठल 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 विट्ठल। पीछे वाले को चप्पल से मारेंगे, बोलो श्री विट्ठल भगवान के। तो ये तुकाराम महाराज की भक्ति थी, 30 सेकंड में सब मिर्ची खत्म। अब वापिस तुकाराम महाराज पहाड़ पे जाके अपना भजन चालू कर दिए, वृक्ष वल्ली गायब। एक बार जो भगवान के भजन में मग्न हो जाए ना उसको बाहर का दुनिया से मजाक ही लगता है। वही सुबह उठना, टाई पहनना, दांती से टाई पहनना, फिर एकदम ब्रेड सैंडविच खाना, एकदम जूता लाने का पॉलिश चाका जाने का, वही कंपनी में काम करने का, बॉस दो थप्पड़ मारेगा यस सर बॉस के सामने एकदम हम्बल, और घर पे बीवी को जाने तेरे को समझ नहीं आ रहा, बीवी पे गुस्सा, फिर बीवी जाके बच्चे को बोलती इधर बैग ऐसे रखते क्या फट, बच्चा बोलते अरे आई, फिर वो जाके अपने छोटी बहन को मारते फट, फिर वो बहन जाके किसी साइड वाले को मारती है, फिर ऐसे चलते रहते हैं साइकिल। तो एक बार क्या हुआ, तुकाराम महाराज के जो पत्नी थी इसके पास कितने साड़ी थे, ए याद रखना नववारी साड़ी, मराठी लोग आप देखेंगे वो काष्टा पहनते हैं ना नववारी साड़ी, तो वो साड़ी पहनती थी। आप बेचारी उस दिन क्या था, उधर का एक बड़ा वो था जमींदार, उसके बेटी का शादी था, तो होता है ना लोग खाने को बुलाते सबको, आइए सब लोग आइए, शादी में सबको बुलाया जाता है, वो भी जाति वाती नहीं सबको, जो पहचान वाले सबको, तो सब गांव वालों को भी बुलाया था, आइए बेचारे तो यही सोची थी किसी दिन कोई बुलाए तो हम लोग भी जाके, होता है ना लेक्चर के टाइम में 100 लोग रहते तो खाने में 400 लोग रहते, प्रसादम के टाइम में प्लेट लेके पहला बोले तू किधर था,
ए प्रसादम बाट, नहीं तो निकल, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला चलो शादी के बहाने में ले जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, ये अंदर साड़ी, देखिए भगवान कैसे आदान प्रदान करते भक्तों से, वो अंदर नहाने गई, साड़ी बाहर रख दिया बेटी को बोल के। तो बेटी बोली आई मी जाते, मैं जाती हूँ खेलने के लिए। बोले जा, अब ऐसा था मतलब दरवाजा खोल के ऐसे भी ले सकती हो साड़ी पत्थर से, मतलब कोई जरूरत नहीं कि कोई चाहिए। उतने में उनकी दो सखियां आ गई, उससे पहले तुकार महाराज बाहर वरांडा में कीर्तन कर रहे थे, अपने मग्न थे। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, कर कटावरी ठेवनिया ठेवनिया। तो तुकार महाराज कीर्तन कर रहे थे, इनको आवाज सुनाई दे रहा था माता जी को। अब माता जी को आवाज सुनाई दे रहा था, उसने में एक औरत आई, गरीब बेचारी ब्राह्मण कुल की थी, गरीब थी, उसके कपड़े फट गए थे, अब बेचारे उसके कपड़े नहीं थे। तो बोले बुआ आओ माझ्याकडे फाटले हो लू, एक मिळेल का साड़ी, एक साड़ी मिलेगा क्या मेरे को? एक बाहर से ब्राह्मण औरत आई तुकाराम महाराज को, एक साड़ी मिलेगा क्या? तुकाराम महाराज बोले वो क्या सूख रहा है, लेके चले जाओ। अब तुकाराम महाराज वो लेके चली गई, धन्यवाद धन्यवाद बुआ 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 करके वो भाग गई। अब वो भाग गई, अंदर से इसको आवाज तो आ रहा है, क्योंकि औरतों का कान बहुत स्ट्रांग होता है। क्या बोला तो वो उन्हें पकड़ लिया, बोलते आओ आओ, बोलते ये गायब, ये इंद्रायणी नदी के पीछे विट्टल विट्टल करके कर रहे। अब ये टेंशन में, बाहर साड़ी है नहीं, बाहर निकले तो निकले, उतने में दो दोस्त आ गए उसके, बोले आगा आवले जायचंय ना आपल्याला लग्नाला, आवर की लवकर, जल्दी जल्दी कर, अपने को शादी में जाने, इतना तैयारी किया सज धज के, तू तेरे को क्या नया साड़ी दिया है क्या तू कर हमने, जो इतना टाइम लगा रही है। अभी अंदर में सोच रही है, अब गाली दे रही है किसको मालूम, विट्ठल को, बोलता अरे काटतो अंड्या, हम लोग बोलते ना अरे कलमुई, कलमुई बोलते किसी को, कालाबू का रहते तो बदमाश। तो तुकाराम का पॉजिटिव प्रेम था, तो इसका उल्टा प्रेम था। कभी कभी हम किसी को बहुत गुस्सा करते तो उसका ज्यादा याद आता है, तो बोले तूने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, यही बचा था, तू तो द्रौपदी को इतना कपड़ा दे, मुझे ऐसा करके रखा है, शर्म नहीं आता तेरे को। उतने में लक्ष्मी जी का वस्त्र नीचे गिर गया, लक्ष्मी जी का साड़ी स्पेशल वैकुंठ से नीचे आया। अच्छा, हमारे नॉर्मल साड़ी को अगर गमकाना है तो फ्रेशनर मारना पड़ेगा, उसको सेंट मारेंगे तो उसको सुगंध आएगा, लेकिन लक्ष्मी जी का वैकुंठ का साड़ी वो ऐसी गमक रहा था। आप मंदिर जाते देखते ना तो मंदिर के अंदर से बहुत अच्छा खुशबू आता है, वैसा एकदम अलग अगरू और ऐसा उसका खुशबू आने लगा। अब ये करे तो करे, क्या ऑप्शन तो है ना, यही पहनना है, एकदम पहन के आई। अब पहन के बाहर आई तो अगो भाई अब ताक तू करम बुआ पैसे साठवून साठवून दुला दिले बघ, तुकाराम महाराज ने पैसा जमा कर करके तेरे लिए रखा, अब ये समझ में बुआ ढोंगी है। तो ये बोले ना ना ना, तो बोले फिर किसने दिया? अब ये बोले तो बोले कैसे उसने दिया, उससे तो इसका पंगा है। तो बोला हट, उसका नाम नहीं लूंगी। बोले चलो शादी में गए तो जिसका साड़ी था ना उसका, वो लड़की इनके सामने कॉकरोच लग रही थी, इतनी सुंदर तुकाराम की पत्नी दिखने लगी। तो ये भगवान है, वो अपने भक्त के लिए उसके जीवन में एकदम घुस जाते हैं। आज जो भक्ति नहीं करता है तो उसको कर्मों में छोड़ देते, जा तूने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, चल वाटा निकल अपने रास्ते। लेकिन जो भगवान को याद करता है तो भगवान उसको याद करते है। साधु नाम हृदयम मह्यम, वो कहते हैं ये जो साधु है ना अर्जुन, ये मेरे हृदय में रहते हैं, मैं इनको छोड़ ही नहीं पाता हूं। तो ये भक्ति की शक्ति है। तो एनीवेज हम लोग वहां चले गए थे, हम लोग को वापिस 15वें अध्याय में आना है, हम लोग 7वें श्लोक तक की थे। और कोई याद है पिछले दो दिन का किसी को स्टोरी, मैं पूछ रहा था। हाँ बोलो जल्दी बोलो, चार नियमों का पालन बताया था कल, कौन से चार नियम है? वो चार नियम का पालन करने से बहुत ही शांति और आनंद का अनुभूति होगा, कौन से चार नियम है? मांसाहार नहीं करना, दूसरा जुआ नशा, आप जानते हैं
आतंकवादी कितने लोगों को मारते हैं एक दिन में? एक दिन में आतंकवादी कहीं भी पूरी दुनिया में, कहीं फ्रांस में, जर्मनी में, भारत में, यहां वहां कितने लोगों को मारते दिन में? बहुत से बहुत तो 100 लोग मरते, बराबर ना? कहीं भी आप चलो, चाइना में बम फट गया, यहां हो गया, तो 100 लोग मरते रोज। जितने भी दुनिया में हॉस्पिटल्स है, ये स्मोकिंग से दिन में 10,000 से 20,000 लोग मरते। कितने? तो सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जब आपको कैंसर होता है, डॉक्टर पहला चीज बोलता है नॉनवेज बंद, बोलता है पहला नॉनवेज बंद करो, ये डॉक्टर का सलाह होता है। तीसरा नियम क्या है? जुआ नहीं खेलना, पक्का। हम लोग तो गणपति के सामने खेलते हैं, कितने डॉन है हम लोग, भगवान के सामने। कुछ लोग रम्मी स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग तीन पत्ता पीसने में साइड वाले को दे, थोड़ा बॉर्नविटा मल रहे तो वो ऐसा देता है जैसे कि चरणामृत दे रहा हो, अब वो भी ऐसा रखता है जैसे कि जैसे बहुत बड़ा उपकार किया हो तूने मेरे लिए बना के। और उसमें भी कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, उसको नाक से सूंघ के फिर क्वालिटी है, फिर खाते हैं। तो ये तमोगुणी आइटम है। आप जानते हैं क्या, जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू जो बाकी खेत होता है, चावल का खेत हो, गेहूं का खेत हो, गोभी फ्लावर, ये जो भी खेत होता है पालक पालक वालक का, इसको कुंपण लगाते, कुंपण बोले तो फेंसिंग, ताकि बकरी वकरी अंदर ना जाए, बराबर ना। लेकिन तंबाकू और चाय का पत्ती होता है ना, इस खेत को कोई कुंपण नहीं होता, मालूम है क्यों? उसको बकरी तक नहीं खाता, कोई भी प्राणी तंबाकू का पत्ता नहीं खाता, आदमी उसके ऊपर पिचकारी, ये पिचकारी अच्छे लोगों का निशान नहीं है, वो उनका निशान है जिनका दो दांत के बीच में होल है। पिचकारी माला मत का गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाले, गंदा चीज है। तो तीसरा नियम। चौथा, अरे आपको मालूम नहीं है, मांसाहार करते भी है हम लोग इलेक्शन के टाइम में। मेरा दोस्त लोग बताता है, जो खास है मेरा, मतलब बहुत नजदीक के दोस्त है पॉलिटिक्स में और बहुत ऊंचे पद पे, वो बोलते हैं हम लोग क्योंकि इलेक्शन के टाइम में पैसा बांटना पड़ता है, बांटते हैं, मेरा कैमरा रहे ना रहे सच्ची बात है, पैसा नहीं बांटे तो आजकल जनता वोट डालने में नहीं जाता, पैसा बांटते उसको ज्यादा मिलता है। तो पैसा बांटते और नॉनवेज खिलाते और दारू पिलाते। अच्छा आपको बता दूं, कई बार आप ऐसे जाओ जहां भी इलेक्शन में बट रहे ना, आप देखोगे उधर बकरी का नहीं तो कुत्ते का हड्डी वड्डी रहता है उधर, क्योंकि जब कम गिरता है तो लोग कुत्ते को पकड़ के काट के बॉईल करके खिलाते हैं। और देख कर मस्त रे, ये हालत है हमारा। पहले लोग इलेक्शन में भगवान के पास जाके प्रार्थना करते थे, वो घर पे पूरा बॉटल वोटल भर के रखते हैं, क्योंकि लोग पार्टी के वर्कर आएंगे तो आशीर्वाद देना होगा ना। तो ये हालत है, ये तीसरा नियम है। और चौथा क्या है? परस्त्री संग नहीं करना चाहिए। अभी तो कलयुग इतना बढ़ गया कि पर पुरुष संग भी नहीं करना चाहिए, आजकल नियम बन गया बाकी देशों में। बाकी देशों में ऐसा हालत है कि लड़का लोग मर्द बचा ही नहीं है, वो बोलते ना मुच्छे हो तो नथुराम जैसी और ना हो तो सही, तो आजकल कोई मुच्छे रखता ही नहीं है, है ना। वो ऐसा बता रहा कड़क है ना, मैं बोले यार तू लड़का है कि लड़की, फिर उसका क्या होता है, वो हिलने लगता है ऐसा ऐसा, साइड वाला लड़का भी उसके साथ ऐसा ऐसा बोलते हम दोनों शादी करते। बोली क्या, ये अमेरिका में भी कल्चर चल रहा है, जर्मनी तक पहुंच गया, भारत में पता नहीं कुछ येड़े लोग उसको भी घुसेड़ रहे, मैं तो डंडे से मारेगा, नहीं ठीक है बाद में। तो ये सवाल हो गया, क्योंकि लोग ऐसे दुर्बल की तरह रह रहे, बिना अच्छे काम के रह रहे, तो पाप करने के कारण वो पुरुष से स्त्री बन रहे इसी शरीर में, स्त्री पुरुष बनने जा रहे। बाल इतना बड़ा रहता तो अच्छा दिखता है, उसको काट के ऐसा झेंगेट, अरे बिंदी बिंदी लगाओ, वो भूत के जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं सर पे, है ना। तो ये हम लोग उल्टा बन रहे, पुरुष स्त्री बनने जा रहे, स्त्री पुरुष बनने जा रहे हैं, तो ये प्रकृति के खिलाफ है।
तो ये चौथा नियम है परस्त्री व्याभिचार। तो हमको विवाहिक जीवन अगर कोई जीना चाह रहा है तो उसको एकदम शिस्तबद्ध और वहीं तक उसका सीमा रहना चाहिए, ताकि इंद्रियों को संयम में रखे और बाकी ताकत जो है भगवान की सेवा में लगे। तो ये चार नियम हमने बताए। और किसी को कोई याद है कुछ आज के श्लोक में जाने से पहले? हाँ, पाकिस्तान में इस्कॉन है। हाँ, इस्कॉन के बारे में बताया था मैंने कल, ये कैसे हमारा प्रभुपाद जी प्रचार किए थे पूरी दुनिया में, और अभी पाकिस्तान में भी हमारा प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद जी बाहर देश में जाके प्रचार किए, तो यही चीज है। तो ये बहुत बड़ा चीज है। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग आज जाएंगे श्लोक क्रमांक 8 में। मेरे पीछे बोलिए, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते वायु गंध निभाषयात्। वो कहते हैं, मतलब मैं इसमें पढ़ूंगा तो आपको हो जाएगा। वो कहते हैं कि जैसे अब वायु होता है ना, वायु वो क्या करता है, कोई भी गुलाब का गुच्छा कहीं रखा है, अच्छे ओरिजिनल अच्छा गुलाब, तो वायु वहां से बहता है तो क्या करता है, पूरे एरिया में गुलाब का खुशबू आता है। जैसे घर में कोई ठुस कर दिया तो पूरा होता है, कौन है रे। मेरा एक दोस्त था, वो रोज डब्बा खाते वक्त, स्कूल में हम लोग खाते थे ना, तो बेंच ऐसा होता है ना, आगे बेंच फिर इधर बैठने का, तो दो बेंच हम लोग उल्टा कर देते थे और दोनों टीम ऐसा बैठ के खाते थे, 10-12 लोग साथ में खाते थे। तो खाने से पहले ना वो ऐसे से करता था, वो ऐसे करते ना, हम बोले ये रोज ऐसा क्यों करते है, तो किसी को पता ही नहीं, आवाज आता था ना जोर जोर से। एक दिन हम दोस्तों ने क्या किया, बोलते इसको हाथ पकड़ लेते, तो समझ में आया कि करता क्या, तो डब्बा खाने से पहले हाथ उसका पकड़ लिया। हम बोले क्या रे, तो बोलते यार इसलिए तो मैं आवाज करता हूं ताकि वो आवाज इसमें सुनाई ना दे। तब से उसका नाम हमने रख दिया बायोगैस प्लांट। अभी वो बड़ा हो गया, बोलते मेरे को बायोगैस नहीं बोलने का, देख देख देख। एनीवेज उसका भी शादी हो गया, उसको बायोगैस बोलेगा उसकी बीवी उसको छोड़ देगी। तो वायु क्या करता है, आपका जो भी गंध है अच्छा वाला या दुर्गंध या सुगंध वो फैलाता है। वैसे ही मन में आपके जो इच्छाएं हैं ये आपको शरीर छूटने के बाद भी अगले जन्म में लेके जाना पड़ता है। और इसलिए आप देखिए हम लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं क्या, सब अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं और इच्छा के हिसाब से शरीर आता है। जैसे आप कपड़े के दुकान में जाइए तो अलग अलग प्रकार के शर्ट पैंट होते हैं, होते कि नहीं, अलग अलग शर्ट पैंट होते हैं अलग अलग साइज के, और आदमी अपने साइज के हिसाब से पहनता है। वैसे ये शरीर भी क्या है, अलग अलग मन की अवस्था होती है, तो इसलिए उसके ऊपर जब शरीर आता है तो अलग अलग रूप से आता है। समझे आप, ये थोड़ा समझने में टफ जाएगा। तो ये आपका जो बाल होता है ना, कुछ लोग देखो बाल उड़ जाते हैं, तो कोई एक साइंस है उसमें कहते हैं कि अगर बाल ऐसा उड़ते थे, कुछ लोग यहां से उड़ा रहते ऐसा पूरा बाल रहता लेकिन ऐसे उड़ा रहता है ऐसा, वो लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं, चिंतन बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, यशस्वी नहीं हो पाते। और एक यहां से उड़ा होता है, यहां बाल होता है लेकिन बीच से यहां से उड़ा होता है, यहां से वो होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, आज चिंता बहुत करते हैं लेकिन यश नहीं मिलता। यहां से जिनका टक्कर होता है ना, यहां से वो बहुत सोचते हैं, काम भी बहुत करते हैं, कभी कभी यश मिलता है कभी नहीं मिलता है। एक वो होते हैं जो इधर से इधर पूरा चाटी रहते हैं, वो एक नंबर का कंजूस मक्की चूस रहते हैं। तो मैंने सोचा कोई मुझे पकड़े ना, इसलिए पूरा चाटी कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं, पकड़ने का जरूरत ही नहीं है ना। अब सब माता जी अपने पत्नी पति के बारे में सोच रहे हैं, उनका कौन सा वाला तीसरा वाला, अब कल से सब लोग नकली वकली बाल लगा के आएंगे, बोले बाबा ने ऐसा क्या ज्ञान दे दिया है ना। उसमें भी होता है, जैसे आप देखिए आदमी चलता है ना तो ऐसे चलता है, देखा आपने ऐसे पांव, पांव जो होते हैं ना कैसे होते हैं,
आप देखिए कोई भी आदमी चलता है ना, जनरली आदमी पुरुष, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे चलता है और कोई बहुत कैजुअल है, मतलब ऐसे कुछ पड़ा नहीं उसको, उसका पाँव ऐसा रहता है, अब थोड़ा विचार होता है ऐसे चलते हैं, अब जो बहुत प्रोफेशनल हो गया वो ऐसे चलता है, ठीक है। और आप देखिए ऐसा कहते हैं साइकोलॉजी में, जो ऐसे चलता है ना ऐसे पाँव करके, वो बहुत अपने आप को आकर्षित करवाना चाहते हैं सब जगह। ऐसे कौन चलता है? सब अम्मा लोग, वो चाहते कोई देखे, बच्चे और औरतें हमेशा चाहते हमें कोई देखे, नहीं तो रोना धोना चालू। तो यहां पे जो शरीर हमको मिला है वो कहां से आया है? अचानक नहीं आया है, हमारे पिछले जो क्रियाएं हमने की है, जो कर्म हमने किए हैं, उसके हिसाब से जो हमारे मन की अवस्था बनी है उससे ये शरीर मिला है, ठीक है। तो ये श्लोक उसको कहता है, भगवान कहते हैं इसलिए हर जीव अलग है। श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इसी प्रकार जो स्थूल शरीर है हमारा, पांच इंद्रियों से कान नाक जीभ इत्यादि ये प्राप्त होते हैं, और जो मन के चारों ओर संपूजित हैं, इस प्रकार वह इंद्रियों इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसी इंद्रिय से भोग करते हैं, और ये इंद्रिय कैसे आते हैं? हमारे पिछले हिसाब के जो मन की अवस्था है वैसे। समझ में आया आपको? एक बार ये इंद्रिय संयम, जो इंद्रिय जो है ना, ये बहुत खींचते हैं हमको। देखिए हमारे अंदर बहुत सारे खींच है, एक मन का खींच है, एक बुद्धि का खींच है। आप कुछ भी करने जाइए तो दो आवाज आते हैं, मन का आवाज आता है अरे ये खा लो, अब बुद्धि क्या बोलता है, पचा पाएगा क्या, पैसा है क्या, दोस्तों को दे पाएगा क्या। देखो दो होते हैं, कोई भी काम करिए आप तो दो आवाज आता है, आता है कि नहीं आता है? ले कार्यक्रम में आना है तो टीवी चालू है, कोई तो अच्छा कार्यक्रम आ गया, फिर पता चला वहां भी जाना चाहिए, जाऊं कि नहीं जाऊं, मन बोलता है चलना क्या बात है, बुद्धि बोलता देख फिर ये कार्यक्रम एपिसोड मिस हो जाएगा, ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा। तो मन और बुद्धि के बीच में लड़ाई चलता है, उतने में अहंकार बोलता है ए, हमारा भी हमारे एरिया में प्रोग्राम है, जाना च मांगते, वो अहंकार है, वो खींच के लाता है। तो ये तीनों शक्तियां हमारे साथ है, उसके साथ साथ ये इंद्रियां हैं, ये जो दिख रहा है कान नाक आंख, ये हमारी इंद्रियां भी खींचती हैं, अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, अच्छा सुगंध लेना चाहते हैं, अच्छा आवाज सुनना चाहते हैं, मिले दिल की ले। सोचो ये कान ऐसा चीज है कि आपको कहीं से भी कोई हैंग कर सकता है। एफएम रेडियो स्टूडियो में कोई और बैठा रहती है, अम्मा बैठा रहता है, ओ, क्या बोलते उसको, आरजे बोलते हैं ना, रेडियो जॉकी, उधर बैठा रहता है, उधर से वो कुछ बोलता है और आप अपने रेलवे में इधर धक्का खाते खाते आजकल कान में डाल के समझ नहीं आते वो आपसे बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं। आप स्टेयरकेस में, मैं जब बहुत दिनों पहले उसमें आया था रेलवे उतरा लोकल से बॉम्बे, बहुत एक दो महीने में कभी तो आता हूँ, वो गया तो साइड से को तो बोल रहा है और मैं तुझे देख लूंगी, तो बोला नहीं नहीं माता जी मैं कुछ नहीं किया, मैं देख लूंगी, बोला नहीं नहीं मजबूर हो गया, मेरे को लगा या धक्का वक्का लग गया, फिर बाद में देखा तो नहीं नहीं आपको ठीक है। मैं बोला आजकल ऐसी लेडीज लोग का चल रहा है, जेल में डाल देगी वो, देख लो बाद में पता चले इधर था इधर नहीं था, वो एक ही कान में डाला था, बोला आई एम चाकिंग ओके। तो आजकल कौन कहाँ है ये पता नहीं चलता, क्योंकि कान से हम लोग खींच लिए जाते हैं, समझा आपको। इसलिए भक्ति का पहला स्तर ही है, क्या स्तर है पहला भक्ति का पहला, वो क्या है? श्रवण। क्या है पहला? श्रवण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पहला स्तर है भक्ति का श्रवण, हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जिसके बारे में आप सुनते हैं उसे प्यार हो जाता है, किसके बारे में अच्छा सुनिएगा तो क्या हो जाता है, जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर को बहुत प्रेम करते हैं, क्यों? उसके बारे में सुना है, उसको देखा है, उसके बारे में जाना है। आप लोग को मीरा बाई का कहानी मालूम है? ये जीवन का नहीं, उसके पिछले जीवन का नहीं मालूम है?
मीराबाई जो थी ना वो कान के वजह से भक्त बन गई। मीराबाई ये जन्म में तो वो मीराबाई थी, तो बचपन से ही वो गिरिधारी लाल को पूजा करती थी। वो क्या बोलती थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली देखो जोगन चली, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो क्या है ना, बचपन से कभी गाने का प्राइज नहीं मिला है, तो मैं सोचता अभी ऑडियंस मिल गया तो थोड़ा गाने का अपना इच्छा पूरा कर लूं, मजाक कर रहा हूं। तो यही मीराबाई जिसको बच्ची थी बचपन से गिरधर गोपाल की सेवा कर रही थी और उसने ठान लिया कि मेरा पति कौन बनेगा, गिरधर गोपाल। तो उसके माँ ने भी ठान लिया कि इसका किससे शादी नहीं होगा, गोपाल के साथ रहेगी। और लेकिन उसके बड़ी बहन का राजा के साथ शादी हो गया, चित्तौड़गढ़ के राजा के साथ, और मीराबाई 13 साल की थी तभी तलवार चलाना आता था। हमारे बड़े बड़े मंत्री लेडी मंत्री हाथ में तलवार लेके गिरा देते शिवाजी महाराज वाला, इतना बड़ा अपमान करते, लेकिन मीराबाई 13 साल की थी तो तलवार चलाना आता था। आजकल की 13 साल की लड़कियां बर्तन तक नहीं घिसती, ऐसा प्लेट लिया तो इधर तलवार चलाती थी, 13 साल की थी मीराबाई तो। इसलिए हम लोग गुरुकुल खोल रहे हैं, उस गुरुकुल में सब ट्रेनिंग देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से लेके CBSE सिलेबस से लेके दांड पट्टा तलवार घोड़ा दोनों घोड़े, एक ये जय महाराष्ट्र। कैमरा को बोल दिए ये जाने वाला यूट्यूब में। रांची में हमने बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर खोला है, आप लोगों को भी ले जाएंगे, उसके बाद कोई डर नहीं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, जंग की घड़ी की तुमको हार दो। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि वो जो मीराबाई थी उसकी बड़ी बहन का शादी हो गया, लेकिन बड़ी बहन गुजर गई 1 साल में। तो पहले प्रथा था कि छोटी बहन को दे दिया जाता था शादी में, तो उनको दे दिया गया। जब मीराबाई को वहाँ दे दिया गया तो शादी में, तो अब उसको शादी करना नहीं था, तो पहले पति को बोल दिया। तो पति बोला ठीक है, नाम के लिए राजघराना शादी हो जाए, बाकी तो मुझे लड़ाई करना है। तो उसको घर के अंदर महल के अंदर ही मंदिर बना दिया, तो बोली यहीं बैठी रहे। वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी, वो उधर ही रहती थी, पति के साथ नहीं रहती थी, अंदर में लेकिन महल में। उसके बाद क्या हुआ कि जो मीराबाई हैं उनका जो पति था वो गुजर गया, और पति गुजरने के बाद उनका जो छोटा भाई था वो राजा बन गया राणा। वो छोटे भाई को ये माताजी पसंद नहीं था, इसका भजन वजन होता है कभी कभी, कोई ज्यादा भक्ति करता था तो पायल बंद करो यार, बस कितना हरे कृष्णा हरे राम, जब दिन रात देखो हरे कृष्णा हरे राम, क्या पागल हो गया क्या, भक्ति थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, एकदम नमक की तरह थोड़ा लेना चाहिए। तो ऐसा है, लेकिन यह मग्न की बात है, मगन होने की बात है। तो मीराबाई को राणा ने द्वेष किया और राणा ने विष पिलाया चरणामृत के नाम पे। अब मीराबाई पी गई भगवान को स्मरण करके, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ। और मीराबाई को फिर पता चला तो मीराबाई छोड़ के वृंदावन गई, फिर वृंदावन से उसको आचार्यों ने द्वारका की तरफ भेजा। फिर उन्होंने द्वारका में लीला की, आप लोग कभी द्वारका भी जाएंगे तो उनका डाकोर में इत्यादि जगह उनका खुद का मंदिर भी है। तो ये मीराबाई भक्त कैसे बनी पिछले जन्म में, ध्यान रखिए, कहां से बनी श्रवणम, भगवान के बारे में सुन के। इसलिए आप किसी भी मंदिर में जाइए, हनुमान जी का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, उस मंदिर के आगे एक बहुत बड़ा प्रांगण होता है, क्यों, ताकि वहां बैठ के आप सुन सके। क्रिकेट या कैरम बोर्ड खेलने के लिए नहीं होता, तो पूजा कर रहे दक्षिणा डाला के ढाप रहे, उसके लिए नहीं होता, उधर बैठ के सुनने के लिए होता है। आज ये पावन भूमि सच में इसका उद्धार हो गया है जमीन का, क्योंकि यहां सुनने को मिल रहा है भक्तों को। सबसे ऐसा कहते हैं, सबसे बहुत अच्छा लाभ होता है जो सुनता है, उससे ज्यादा लाभ होता है जो सुनाता है, उससे ज्यादा लाभ होता है जो ये दोनों को सुनने सुनाने का आयोजन करता है। और हमारे भक्त बेचारे सभी
दिन रात भाग रहे हैं आयोजन में, सुबह से लेके आलू छील रहे तो मटर छील रहे तो क्या नहीं कर रहे, कौन सा सब्जी कहाँ फ्रेश मिलेगा, फूल जगन्नाथ जी के लिए भोग, ये इतना क्राउड, बच्चों का चिल्लाना, उनको मारना फिर प्यार भी करना, मारना फिर प्यार, है ना, सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मीराबाई थी ये पिछले जन्म में कौन थी, तो ये वृंदावन की एक गोपी थी। क्या थी? अब क्या हुआ, जब कृष्ण ने अघासुर लीला किया था ना, तो ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को उठा लिया था, ग्वाल बालों को, और उसी समय कृष्ण ने सभी बालों ग्वाल बालों का रूप ले लिया था, और सबका शादी तभी हो गया था गोपियों के साथ, तो कृष्ण का सभी गोपियों के साथ शादी भी हुआ था, लेकिन लीला के तौर पे। लेकिन ये जो मीराबाई जो पिछले जन्म में गोपी थी, इसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, और बोली सुन, या हर गोपी उस कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, तो तू मत जाना, ठीक है, बिल्कुल मत जाना, और अपना पल्लू एकदम नीचे रखना, बिल्कुल देखना तक नहीं, और कोई कृष्ण के बारे में बोलने लगे तो कान बंद कर लेना। तो इसको हुआ क्या कि चलो पल्लू ठीक है, ये ठीक है, कान क्यों बंद करूं, सुनने में क्या है। तो हर कोई जहां भी जाती थी पानी भरने, तो लोग कृष्ण का वर्णन करते थे, कितना सुंदर है उसका चेहरा, ये है सांवला है, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वो शांत आकार है, निराकार नहीं है, शांत आकार से है। कैसे? तो मेघवर्णम, अब बारिश देखते हैं, जब बारिश का मेघ आता है वो कलर के भगवान होते हैं। ये गगन नीला क्यों होता है? क्योंकि भगवान की वो कांति है, भगवान उस कलर के हैं तो उसका वो कांति है। तो भगवान का वो रूप देखने के लिए लोग गुणगान कर रहे थे, और मीराबाई सुन रही थी, बच्ची थी, गोपी थी। हुआ क्या, उसका शादी हो गया किसी और से, और एक बार कृष्ण ऐसे ही गए थे, तो उसको पता चला कि कृष्ण आया आज हमारे घर पे, तो उसने पल्लू एक बार पूरा ढक लिया और देखा ही नहीं, पर लेकिन सुन रही थी। तो कृष्ण बोल रहे थे, ये गोपी कौन से गाँव से है जिससे तुमने शादी की है? तो ये गोपी एकदम भाग गई वहां से, मिली नहीं, लेकिन सुना था कृष्ण के बारे में, सुना था। तो क्या हुआ, ये तो चले गए। फिर आपको याद होगा जब बारिश गिरा, इंद्र ने बारिश गिराया, तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन उठाया। आज सभी ग्वाल बाल, बड़े बूढ़े छोटे, सब आ गए, सभी आ गए अंदर में, और भगवान को निहार रहे थे। वो बोले अच्छा है, बाहर परेशानी है, अंदर में हम लोग कृष्ण को देख रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर से इंद्र वज्र गिरा रहा है, सब गिरा रहा है, और गोवर्धन का एक पत्ता तक नहीं हिल रही, इंद्र का ईगो अहंकार हिलने लग गया कि मैं इतने बड़े बड़े अस्त्र डाल रहा हूं, गोवर्धन को कुछ नहीं हो रहा है। बाद में उसे पता चला, ब्रह्मा जी बोले मूर्ख, जिन विष्णु को जाके तूने पुकारा था वही कृष्ण के रूप में आए, तू पागल क्या कर रहा है? बोला इंद्र का यही प्रॉब्लम है, बीवी कुछ बोलती है लड़ाई करने चले जाते हैं, उर्वशी रंभा का डांस देख के एक बृहस्पति का अपराध कर देता है, होता है कभी कभी पद मिलने पर गड़बड़ हो जाता है। तो यहां क्या हुआ, अब सब लोग अंदर थे, अब भगवान ऐसे गिरधारी जी खड़े थे, बोलो गिरधारी जी के, सुंदर गिरधारी लाल, अंतर मंदिर जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, अंतर मंदिर जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, नव अरुणासम जागो हृदये मम, नव अरुणासम जागो हृदये मम, सुंदर गिरिधारी लाल माधव कृष्ण गोपाल, अंतर मंदिर जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। जैसे मैं गाने का स्किल लगा रहा हूं वैसे लगता है पेटी अभी भी सीख रही, भी पेटी का स्किल लगा रहा है बजा कर। तो अंतर मंदिर में जागिए, है माधव, है सुंदर गोपाल, प्लीज आप जागिए, मेरा हृदय शुद्ध करिए। तो अब सब तो देख रहे थे, आज जब भगवान ने उठाया तो बड़े बूढ़ों को लगा कि अरे बच्चे ने उठा तो लिया है लेकिन कहीं गिर गया तो सभी ने डंडा पकड़ लिया। भगवान हंस रहे थे, करते हो तुम कन्हैया, किसी और का नाम होने लगता है, कर दे भगवान,
तो भगवान ने उठाया और लोग डंडे डाले, बोले कोई बात नहीं। माँ यशोदा को लगा, अरे मेरा बच्चा है, कुछ खाएगा नहीं तो ताकत कहां से उठाने के लिए। तो लगने जितना छाछ था वो गोवर्धन पूजा से लाया, कृष्ण को खिलाने लगे। कृष्ण ये रोहिणी को लगा, रहे पसीना छूट जाएगा, कहीं उसके आंख में पसीना के आंख बंद हो गया गिर गया तो रोहिणी ने मुंह पोछना चालू कर दिया कृष्ण का। तो मधुमंगल बोला, मधुमंगल आप जानते ब्राह्मण दोस्त, मैंने पहले दिन बताया उसका स्टोरी। वो ब्राह्मण दोस्त बोला, अरे माँ यशोदा, अरे रोहिणी, अरे बड़े ग्वाल बालों, आप लोग क्यों चिंता करते हो, ये कभी नहीं गिरेगा क्योंकि ये कृष्ण ने नहीं उठाया है। अरे तो मेरे जैसे ब्राह्मण का तेज है, जो मैंने उसे दे दिया है तो उठा रहा है। ये ब्राह्मण उधर भी फुकट का खा गया है। तो एक काम करो, उसको कुछ देने का जरूरत नहीं, वो जो किया मेरे को दे दो, वो छाछवाच जो है ना उसको मत दो, डिस्टर्ब मत करो, मैं तेज दे रहा हूं ना, तो तुम छाछवाच मुझे दो। कहते ब्राह्मण भोजन अप्रिय, जो ब्राह्मण भोजन नहीं अच्छे से खाता है तो समझ लो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए मैं टेंशन में आया कि मेरा पेट बढ़ने क्यों लगा है। तो यहां पे रोहिणी माता ये कर रही है, मधुमंगल ये कह रहा है। उतने में गोपियां बोली, अरे मधुमंगल तू क्या जानता है, अरे ये तो राधा रानी का कटाक्ष है, जो ऐसे देख रही है राधा रानी, और ये कृष्ण ऐसे देख रहा है, कटाक्ष से जो ताकत आ रहा है उसके बल से तो वो उठा रहा है। इतना सब अंदर में चल रहा था हंसी मजाक, अब ये जो गोपी थी मीराबाई, जो पिछले जन्म में गोपी थी, वो देख रही कि मतलब सब गुणगान कर रहे हैं, सब उसको निहार रहे हैं, तो मैंने क्या पाप किया। और उसकी मम्मी दूसरे जगह थी, होता है ना कभी कभी वो दूसरे गैंग में खड़ी थी, तो उसने इसका ध्यान नहीं होगा। इसने क्या किया, ये पल्लू ऐसा खोला और ऐसा देखा, अब उन्होंने गिरधर जी को देखा और गिरधर जी ने ऐसे देखा। वो आजकल आता है ना वो लड़की का व्हाट्सएप में ऐसा वाला, वैसा वाला देखा, वैसा देखते ही उसने ऐसा कर दिया, लेकिन एक बार फोटो तू मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए। ये भगवान के लिए गाना है एक्चुअली, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। लेकिन हम लोग भगवान के बीच में किसी और को लाते हैं, वही प्रॉब्लम है। वो शादी से पहले तक ठीक लगता है, शादी के बाद पता चलता है कि वो नहीं है। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशों के दुनिया पत्थर की। तो ये समस्या है, पर एनीवेज तो हमको असली भगवान के पास जाना चाहिए, बीच में जो जो आता है उसको नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मीराबाई ने देख लिया, फोटो तो चला गया, अंदर में हृदय में आ गया। अब भगवान अंदर से बोल दिए कि चिंता मत करो, अगले जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसलिए वो अगले जन्म में बचपन से ही गिरधारी की पूजा करती थी। समझा आपको, बोले मीराबाई के। तो यहाँ पे जो इंद्रियों की बात आती है, इंद्रियों को अगर हमें संयम करना है तो तपस्या जरूर करना पड़ेगा। इस कलयुग में छोटा सा ही तपस्या है क्या, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और चार नियम का पालन, आपको एक पांव पे खड़ा होकर कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओम, हम लोग ऐसे है ना, ऐसा दो मिनट के लिए भी करेंगे तो देखेंगे बॉडी वो करे, हाँ ठीक है ओम। तो हम लोग वो सब करने का भी जरूरत नहीं है, सांस लेना छोड़ना, कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को वो तपस्या करने का जरूरत नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं 11वें अध्याय में, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चैजया। वो कहते हैं, अरे अर्जुन तुम मेरे को पूरा वेद रट लोगे ना, कुछ लोग होते हैं एकदम पढ़ लेते हैं, ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, हमको लगता है भट्टी आयुष्यपर लय भरी। बाद में देखा तो भटजी कोंटे में लेके सिगरेट है करे, लय गर्मी अरे तिकड़े लय घी टाक लय ना लय तापलाय सगळा। तो वो वाला भटजी नहीं बनने गए। तो भगवान कहते हैं, ना हम वेदैर, तुम पूरा वेद रट लोगे कोई फायदा नहीं, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। न तपसा, बहुत तपस्या कर लोगे, एकदम स्लिम बॉडी ऐसा पतला एकदम चमक रहा है तेज। आप लोग देखो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे योगी लोग भी मिलते हैं,
मेरे को एक योगी मिला, मेरे को हिमालय से ऐसा ऐसा करके उसने रुद्राक्ष लाके दिया। वो मैंने उसको सेवा दिया था, दो योगी आए थे, दोनों को 500 एक 500 दिया था। आप लोग भी साधु सेवा करते, तो मैं भी ऐसे कुछ साधु का सेवा करता हूँ, हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हमारे पास जो है वो दान हम लोग बांट देते हैं। वो आए थे, उन लोग वो नागा बाबा लोग थे, लेकिन सिटी में वो लोग कपड़े में आए थे। बोले हम लोग एक्चुअली नागा, लेकिन शहर में हम लोग कपड़ा पहन लेते क्योंकि समाज में अव्यवस्था ना हो। तो मैंने उनको सुबह सुबह आया, घर में हम लोग कीर्तन भी किया, वो लोग पेटी बजाते, हम लोग धपाक धपाक कीर्तन किया, फिर वो बहुत खुश हो गए। मैंने प्रसाद उसाद दिया, तो चाय तो हम लोग पीते नहीं, तो मैंने कहीं और से चाय मंगवा दी, बोला पी लीजिए। तो बहुत बोले जाओ बाबा, हम प्रसन्न हुए, तुमको कोई नहीं रोकेगा। मैं बोला बस बस बस, मेरे को अगला प्रधानमंत्री बनने का। उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे सामने किया, ऐसा ऐसे किया, बोले रुद्राक्ष मेरे को दिया, बोले कभी इसको अपने से दूर मत रखना, इसमें हमेशा मेरे बैग में रहते, इधर ही है। बैग भी नजदीक रखा है, ऐसा नहीं उसमें। तो ये ऐसे योगी होते हैं, लेकिन ना हम वेदे न तपसा, कि तपस्या कर भी लोगे तो क्या फायदा है, भगवान नहीं मिले तो। यदि आराधितो हरि तपसा तथा किम, यदि न आराधितो हरि तपसा तथा किम। अरे अगर भगवान की आराधना कर ही रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो, और यदि तुम आराधना नहीं कर रहे हो तो फिर तपस्या किस लिए कर रहे हो। तो तपस्या की वैसी कोई जरूरत है ना, हम वेदे न तपसा न दाने न। कभी कभी किसी को लगेगा कि मैं बहुत दान किया हूं, देखा आपने वो सेठ जी लोग रहते ऐसे एकदम बाटिए खाएंगे प्राप्ति से सावकाश गया हड़ू हड़ू हो दे। एक बार एक जाने जैसे किसी को बोलना नहीं, लेकिन एक मराठी ब्राह्मण के घर पे हमको बुलाया था खाने के लिए, तो मेरे को लगा मैं तैयारी से गया था, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बोला बुलाए तो दबा के खाएंगे। मैं गया, उनको लगा ये साधु है, तो एक पापड़ एक रोटी का 1/2 टुकड़ा होता है ना, एक चौथा टुकड़ा उतना, इतना सा सब्जी और श्रीखंड इतना सा लगा के मेरे प्लेट में रखा। मैं तो फिर भी सोचा कि जाने दो उसका क्या अपमान करने का, मेरा साइड वाला मोटा था 145 किलो वाला, बोलता है प्रभु जी ये क्या। मैंने बोला आप खा ले भाई, उसका इज्जत तो निकाल नहीं सकते। तो हम लोग खा रहे थे और बोलते सावकाश गया हाँ हड़ू हड़ू गया। मैंने बोला दिया ही क्या झाड़ू हड़ू कहेंगे। तो मैंने बोला होय सुंदर, मैं खाया और फोन लगाया मेरे दोस्त को, बोले यार तेरी बीबी कोल भिंडी भाजी और रोटी बनाएगी, हम तो मर गए इधर। जाके उसके घर पे 18 रोटी खाया, मैं बोला दे जल्दी दे, सुबह का ब्रेकफास्ट डिनर दोनों बचा है मेरा। साधु को कभी भी उसके खाने से उसके शरीर से जज नहीं करना चाहिए, उसकी वाणी से जज करना चाहिए, पर एनीवेज वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, साधु में चले गए बेचारे, वाला की दुनिया था। हम लोग कहाँ थे इससे पहले, थोड़ा सा पहले नहीं समझा, तपसा है तथा किम, ना हम वेदेर ने तपसा न दान है, ना दान की बात करते हम लोग, वो लेके दान करते हैं बड़ा घमंड होता है। एक बार शिवाजी महाराज ने भी पूरे सातारा में दान किया था, खिलाया था, और उनके गुरु रामदास स्वामी सज्जनगढ़ में बैठे हुए थे। वो गए और बोले महाराज आज हमें सगड़ा ना खाऊ घतल, शिवाजी महाराज अपने गुरु से बोले। तो बोले अच्छा तुमने सबको खिलाया, बोले होए। तुम शिवाजी महाराज को बोला कि एक काम करो पत्थर को तोड़ो, तो शिवाजी महाराज ने दांड पट्टा लिया और पत्थर को सन 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 टुकड़े छिन्ने छिन्ने कर दिए, और उसमें से एक मेंढक बाहर आए। बोले शिवाजी इसको कौन खिलाया रे, तो शिवाजी को समझ में आया खिलाने वाले हम नहीं है, खिलाने वाला हम केवल निमित्त है। तो ये समझना चाहिए न दाने न, कि कितना भी आप दान कर दोगे तुम्हारा है क्या जो तुमने दान किया। कई बार लोग वैरागी होते हैं ना, नहीं 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 छी 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 हाँ छी 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 ये बड़ा छी 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 नहीं 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 नहीं। अरे तुम्हारा है क्या जो तुम छोड़ रहे हो। जैसे मैं आपके घर में आऊं और आपके यहाँ बहुत बड़ा LED TV है, और मैं उसको हाथ लगा के बोलूं हाँ आज से मैंने LED छोड़ दिया, आप बोलेंगे प्रभु जी आपका था ही नहीं तो छोड़ा क्या। ये संसार किसका है, संसार किसका है। तो कोई संसार का आसक्ति छोड़ दे तो उसने छोड़ा क्या, तो घमंड किस चीज का। कई बार आप देखो कुछ कुछ सन्यासी हो जाते हैं, उनको घमंड आ जाता है, मैंने एक देखा था, एक भक्त था हमारा हरे कृष्ण भक्त था, यात्रा में गए थे हम लोग, तो जैसे आप लोग ऐसे बैठे ना हम लोग भी ऐसे बैठे थे, और
मैं ऐसा बैठा था, ये माता जी लोग थे, उतने में जो वक्ता थे हमारे गुरु महाराज, वो बोले हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम वहाँ बैठेंगे। उनका आसन वहाँ लगा दिया, तो माता जी लोग आगे आ गया, इधर से लोग पीछे हो गया, तो हम लोग ऑलमोस्ट माता जी के बीच में आ गया। और लेकिन माता जी लोगों ने पर्स लगा दिया ऐसा, लोग बॉम्बे का माता जी लोग थे, सिंपल था, और उनको कुछ तकलीफ नहीं करना था, है तो रख दिया उन्होंने। हम तीन लोग अटक गए थे ऐसा, हम लोग बोले ठीक है ना महाराज, एक घंटा कर देंगे उसको निकल जाना है। और तब मैं नया नया था, बोला कुछ बोल दूंगा तो मेरे को निकाल देंगे यात्रा से करके, मैं भी एकदम प्रामाणिक बैठा था। मेरे साइड में एक ब्रह्मचारी बैठा था, वो ब्रह्मचारी बैठा था, तो जनरली जब हम गाते हैं ना तो आदमी का आवाज कड़क होता है और माता जी लोग का अलग रहता है। जैसे आदमी बोलता है जय राधा माधव, वही माता जी जय राधा माधव, तो जनरली क्या होता है आदमी को आदत नहीं रहता सुनने का, तो उसको कुछ होता है। तो क्या हुआ एक्चुअली, वो लोग बोल रहा था तो मेरे को भी वैसे ही फीलिंग हो रहा था, लेकिन आप अपमान तो नहीं कर सकते ना, उनका वैसा आवाज है तो उसको क्या कर सकते। मैं अपना बगा के ताली बजा था, ये साइड वाला था वैसा, मैं बोला बेटा तेरे को तो आज ठोकेंगे लोग। उन्होंने क्या किया, मेरे साइड का पर्स बचा के रखा और इसके साइड का पूरा पर्स निकाल के और नजदीक जाके बोलने लगे जय राम। तो ज्यादा बड़ा घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े समझ, अरे तूने त्याग क्या किया, तुझे हर जीव का सम्मान करना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना, वो असली पंडित है जो सबको समान दृष्टि से देखे, सबको प्रेम करे। ये नहीं कि ये अमीर है ये मेरे काम का है, ये गरीब है ये मेरे काम का नहीं है, ये सुंदर दिखता है ये मेरे काम का है, काला दिखता है मेरे काम का नहीं है, किसी को मालूम नहीं कौन किसी के काम का है या नहीं है, ये सब भगवान का क्रिएशन है, इसलिए हमको प्रेम करना चाहिए। आजकल राजनेता बाकी लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, मेरे को वोट दिया तू मेरा आदमी, ए माजा माणूस, अब मेरे को वोट नहीं दिया तो टपका दो गोली मार भेजे में, इसकी वजह से मेरा भेजा शोर करता है। तो क्या होता है, हम लोग दोस्त और दुश्मन बना लेते हैं हमारे स्वार्थ के कारण, लेकिन जब भगवान की दृष्टि से देखेंगे, भगवत चेतना के रूप से देखेंगे तो सबसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं। अरे हम सब खाते हैं तो सबको पछता है कि नहीं पछता है, इसी में आएगा अगले श्लोक में, लेकिन हम पहुंचेंगे नहीं। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणा प्राण समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अरे अर्जुन मैं सबके पेट में जठराग्नि हूं, आप लोग खाना खाते फट करके वो बन के कैसे पच जाता है। अरे बिहार में एक आदमी है उसका रिकॉर्ड है, पूरा खाना शादी के बाद पूरा खाना खाने के बाद 700 रसगुल्ले खाता है। सोच लो, मेरे को आज भी डाउट है पचता कैसे। अच्छा पट्टी को दूसरे दिन जाते, ऐसे नहीं कि खा के निकला, आराम, उसका रिकॉर्ड है गिनीज बुक में। ऐसा शादी में बोलते अगर वो आके गया तो समझो आपके शादी में, तो आपका शादी में 7 स्टार लग गया, 700 रसगुल्ले खिलाना भी मजाक नहीं है। खाना खाने के बाद, ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट, ऐसे ऐसे लोग इस संसार में। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बोला ना 145 किलो, 48 पाव भाजी खा जाते हैं। एक माता जी तो परेशान हो गई, उसने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया, बोला प्रभु जी पाव भाजी चलेगा, बोला हाँ कांदा लहसुन मत डालो मैं खा लेगा, भगवान को बोला, बोला हाँ ठीक है ठीक है। वो माता जी ने अपना एक लादी ब्रेड लाए, थोड़ा वाड़का में भाजी बनाए, अब मैं मोटे को लेके गया, मोटा बोला प्रभु जी इसमें क्या होगा, तो मैंने बोला सुन मैं थोड़ा भाजी खाता 2 पाव खाता बाकी तू खा लेना। वो माता जी बोले माता जी आप और थोड़ा पाव लेके आओ, माता ने 4 बंडल मतलब 48 पाव लाए, तब जाके उसका पेट भरा, तब जाके वो ओ ढेकर मारा। मैं बोला भाई तो अब मेरे को कोई भी पूछता है ना प्रभु जी आप खाने के लिए आए, तो बोलते वो भी आने वाला है क्या, तो कैंसिल कर देते, बोलो फिर अगली बार जब आप अकेले आएंगे तब। एक माता जी के यहाँ वो माता जी बोली कि मैं आपके आश्रम में भक्तों को ना हम साउथ इंडियन डिश खिलाना चाहती हूँ, नहीं आई थी बेचारी बैंगलोर से रांची में, उसको क्या मालूम यहाँ कैसे लोग रहते। वो बोली कि मैं सबको नाश्ता दूंगी, उसको लगा 4-4 इडली खाएगा ब्रह्मचारी लोग। हम लोग 12 लोग रहते आश्रम में, लेकिन हम में से 7 लोग बाहर गए थे प्रचार के लिए, 5 ही लोग बचे थे, और गलती से बोल दिया कि हम लोग 12 हैं, तो वो बेचारी 72 इडली बनाई, 6-6 खाएंगे सोच के। ये पहुंच गया, ये गया और 4 और लोग लेके गया। माता जी बोली देखो तुम 5 ही लोग आए, मैंने 72 बनाया, मेरा फेंका जाएगा मेरे यहाँ पे खाने के लिए, नहीं तो फिर तुमको आश्रम में ले जाना होगा, 2 बार खाना होगा।
इसको क्या मालूम ये कौन आया इसके पास खाने के लिए। ये बोला माताजी ठीक है आप चिंता मत करिए, जो बचेगा मैं पैक करके ले जाऊंगा। बोले ठीक है, चटनी डाला सांभर डाला। और उसका एक स्टाइल है, अगर उसने पाँव अंदर करके खाया ना तो समझो लिमिट में खाने वाला है, अब पाँव बाहर निकाला ना पता नहीं उसका एक लेयर बढ़ जाते ऐसा करके खाए तो। अब उसने पाँव बाहर निकाला, बाकी लोगों ने तीन तीन चार चार इडली खाया, उनको आदत नहीं है, झारखंड में लोग इडली पोहा नहीं खाते, उधर चावल आलू ज़्यादा है। ये पाँव निकाला पूरा 60 का 60 इडली खा गया। फिर माता जी बोलते माता जी अजून पाहिजे, तो माता जी हाथ जोड़ के बोलती है चावल दाल बनाओ क्या। तो ना हम वेदे न तपसा न दाने न इज्जया, बहुत ज्यादा इज्जया मतलब पूजा, भगवान कहते बहुत ज्यादा दिन भर पूजा करते रहोगे। कभी कभी देखो पुजारी बहुत स्टाइल मारते हैं, अगर गृहस्थ पुजारी रहेगा तो अपनी बीवी को दिखा दे देगा ना, इधर का तिलक बड़ा बनाएगा एकदम दिखाने के लिए। ये हाथ का एक्सरसाइज करे ना करे ये हाथ का कर ले, थोड़ा डब दिखना मांगता है सर। न दाने न जो इज्जया, तुम इतना सब कर लोगे अर्जुन मुझे नहीं पाओगे। ना तुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः, लेकिन तुम भक्ति करोगे तो मुझे एक क्षण में प्राप्त कर लोगे। देखिए आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन अगर आप उसको पटाना चाहते हैं और आप उसके सामने टिप्स निकाल रहे हैं, बहुत बॉडी बनाया और बहुत सारा मंत्र जाप कर लिया, थोड़ी वो जीतने वाला है। लेकिन उसको जो चाहिए वो आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से प्रेम बढ़ जाएगा। वही भगवान के साथ, भगवान चाहते हैं कि तुम इस संसार से मुक्त हो जाओ और मेरे धाम आओ। अब तुम उसमें लगे हो तो तुम भगवान के प्रिय हो जाओगे, अब तुम किसी और में लगे हो, बंधन में लगे हो, तो फिर भगवान से दूर हो जाओगे। तो ये संसार का नियम है, ये भगवान के पास जाने का ये मार्ग है। तो एक राजा का कहानी आता है, एक राजा थे मयूरध्वज, क्या नाम था, मयूरध्वज। ये राजा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे मैं समय से आगे चला गया हूँ लेकिन आप अगर परमिशन दे तो मैं चालू रखूँ, तो अगर मैं चालू रखूँ तो ये कहानी मैं बता के थोड़ा आपको समापन करूँगा, लेकिन जोर से हरि बोल बोलिए। तो अभी आप में से जो नाराज है ना वो सब हरि बोल वालों को मारिए। तो ये जो राजा थे, देखिए इनकी भक्ति इतनी गाढ़ी भक्ति, राजा थे इनके रोज महल में, इनके रोज, मैं आपको दो राजाओं की कहानी बताऊंगा, एक मयूरध्वज और एक राजा है, एक कृष्ण के भक्त एक राम के भक्त थे। तो मयूरध्वज जो थे ये रोज अपने राज्य में भागवत पाठ कराते थे, सुबह शाम भागवत पढ़ते थे और भक्ति करते थे। इनके राज्य में सभी कंठी माला पहनते थे, तिलक लगाते थे और मयूरध्वज मतलब इनके ध्वजा में मयूर का चित्र था, मयूर पंख होता है ना मोर पीस, उसका चित्र था, इसलिए उसको मयूरध्वज राजा का नाम दिया गया था। बहुत अच्छे भक्त थे, उनके बेटे का नाम ताम्रध्वज। तो एक बार परीक्षित के बेटे ने पूछा जैमिनी ऋषि से कि ऋषिवर जब मेरे दादा लोग थे ये अर्जुन इत्यादि लोग पांडव, ये कृष्ण को बड़े प्रिय थे, क्या इनसे भी ज्यादा प्रिय कोई राजा था। तो बोलते हाँ था। बोले कौन, बोले मयूरध्वज। सब लोग शांति बैठिए, देखिए शांत बैठने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सब लोग सीधे बैठ जाइए एक मिनट के लिए बताता हूँ शांति। देखिए कैसे आता है, बैठ गए एकदम ऐसे रखे, देखिए ऐसे ऐसे मुद्रा और एकदम दीर्घ सांस लीजिए और धीरे से बोलिए बस, आगे वाले शांत रही, पीछे तो बच्चा लोग छोड़ेगा नहीं। तो मयूरध्वज ने क्या किया, अच्छा यहाँ का बच्चा लोग थोड़ा कमेंट में कम मारो, आगे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने, पीछे मारो, देखो जैसे पीछे वाले बच्चे का तो कोई दिक्कत नहीं, आगे रहे तो सुनाई देता है, सब डांसर लोग भी आ गए लगता है, इनके लिए तालियां दो। हाँ
अरे बैठो बैठो बैठो, दिखेगा। बेचारे लोग लगता है 4 घंटे से मेकअप लगा के बैठा है। तालिया दो तालिया दो। ये कृष्ण एक पांव से ही नाचता है, देखा ना पहला दिन, आज दूसरा पांव भी हिलाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अभी शांति रखिए, क्योंकि हमारे दो राजे जब तक खत्म नहीं होंगे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ, हरि बोल। पीछे बच्चे लोग शांत करो उनको थोड़ा, एक को बजाओ सब शांत हो जाते हैं। तो बोले राजा मयूर ध्वज के। तो ये राजा जो थे तो बोले हाँ, तुम्हारे जब पांडव धरातल पे थे, भगवान वहां थे, तो एक राजा था मयूर ध्वज, वो राजा भगवान को अति प्रिय था। वो मयूर ध्वज का बेटा था ताम्र ध्वज, वो जानता था मेरे पिता इतने अच्छे कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन कभी कृष्ण हमारे यहाँ आते ही नहीं हमारे राज्य में। तो उसने सोचा मैं कुछ तो करूंगा कि जिससे भगवान मेरे राज्य में आए। उतने में राजसूय यज्ञ का आह्वान किया गया, और राजसूय यज्ञ में एक घोड़ा रहता है, वो चारों दिशाओं में 4 घोड़े छोड़े जाते हैं। अगर उस घोड़े को किसी ने रोका, इसका मतलब वो उस सम्राट को स्वीकार नहीं करता, उसको युद्ध करना पड़ता है। युद्ध करके अगर वो जीत गया तो घोड़ा वो सम्राट बन जाएगा, ये राजा बन जाएगा, और नहीं तो छोड़ देने का और आगे जाने का। अर्जुन घोड़ा लेके मयूर ध्वज के राज्य से जा रहा था, ताम्र ध्वज रोका, बोले कौन है? तो बोलते ये युधिष्ठिर सम्राट का ये घोड़ा है, अगर तुमने रोका बालक तो याद रखना अपने युद्ध को ललकार रहे हो, मौत को ललकार रहे हो। अच्छा इसी में होगा कि राजा युधिष्ठिर को और सम्राट स्वीकार करो। तो ये तुम लोग नीचे बैठ जाओ रे, क्या तुम्हारा मेकअप मेरे मेकअप से ज्यादा है? लोग मेरे को देख ही नहीं रहे, चाहे तो थोड़ा पाउडर वाउडर दे दो, मैं भी लगा लेता हूं। टिक 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 टिक। आदमी लोग कम मेकअप करते हैं, लेडीज लोग फांस लेता है, पाउडर 1 पाउडर 2 पाउडर 3, फिर इधर से फिर इधर, फिर काजल इधर तक खींच लेगा ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीता माता जब अहिल्या को मिलने गई थी अनुसुईया को, उन्होंने भी 2 पेटी उनको कॉस्मेटिक्स दिया था, तो लक्ष्मण ने उठा के लेके गए थे। तो कॉस्मेटिक लगाना कोई गलत बात नहीं, पर अच्छा वाला लगाओ, नहीं तो कैंसर हो जाएगा, नेचुरल वाला। तो यहाँ पे मयूर ध्वज जो थे, ताम्र ध्वज ने चल आए देवरा, रे अर्जुन कौन है तू? अर्जुन है ना, तेरे जैसे को तो मैं एक रात में ऐसे हरा देता हूं। और बड़बड़ क्या कर रहा है? बोल रहा हूं ना नहीं चाहे तेरा घोड़ा आगे जाएगा, युद्ध कर रहे तो कर। अच्छा, ताम्र ध्वज जो युद्ध कर रहा था वो इसलिए युद्ध कर रहा था कि अगर अर्जुन हार गया तो इसको बचाने के लिए कौन आएंगे मेरे राज्य में? बोलो कृष्ण भगवान के। तो ताम्र ध्वज के मन में भी भक्ति था, अर्जुन के मन में भी भक्ति था, तो कभी कभी तो भक्त भी लड़ जाते हैं। मुझे एक पॉलिटिशियन बोल रहा था, बोलते अरे हम पॉलिटिक्स में जितना लड़ाई नहीं ना उससे ज्यादा तुम भक्तों में लड़ाई है। मैंने बोला होगा, सेवा के लिए उधर भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, ताम्र ध्वज और अर्जुन में लड़ाई हो गया तलवार से टांग 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 करके, लास्ट में ताम्र ध्वज ने गले में रख दिया तलवार अर्जुन के, अर्जुन हार गया। अर्जुन हार गया तो अर्जुन के एकदम गुस्सा आया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? वापिस गया कृष्ण को, बोला कृष्ण देखो मेरे साथ यह हो गया। कृष्ण बोला देखो ऐसा है ना, जैसे तुम बड़े भक्त हो उसका पिता भी बहुत बड़ा भक्त है। तो बोले अच्छा, बोले तुमको देखना है तो चलो मेरे साथ। तो बोले लेकिन ऐसा करो, ये रूप में नहीं जाएंगे, मैं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेता हूं और तुम एक जवान ब्राह्मण का रूप ले लो, अब भेष बदलो। तो दोनों ने भेष बदला, जब दोनों ने भेष बदला बोले सुन, अंत तक मुंह से कुछ मत बोलना। अर्जुन को बोला चुपचाप रहना, मैं बोलूंगा तू सिर्फ देखते रहना, अब बिल्कुल मत बोलना कि तू अर्जुन है, ऐसे ही दिखाना कि तू एक ब्राह्मण है बस। ये दोनों गए, जब ये दोनों गए तो मयूर ध्वज को पता चला कि मेरे बेटे ने अर्जुन को परास्त किया, उसको दुख हुआ, अरे इतना बड़ा वैष्णव मेरे राज्य
उसका पांव धोके चरण स्पर्श करने के बजाय तूने हराया। ताम्रध्वज दूर हो जाओ, ताम्रध्वज बात ही नहीं करना है, दूर हो जाओ। ताम्रध्वज दूर हो गया पिताजी का डांट खाके। अब बोले पिताजी नाराज हो गए, मेरे को तो लगा कि ये हरेगा तो कृष्ण आएगा तो मेरे पिताजी खुश हो जाएंगे, तो अच्छा सेवा किया। लेकिन भगवान को बुलाने का ये तरीका थोड़ी है कि आप उनके भक्तों का अपमान करिए। तो पिताजी अपने बेटे से नाराज थे। जब पिताजी नाराज थे तो पूरा जो माहौल था महल का शोकाकुल हो गया, शोकाकुल हो गया। और सुनो ना मैं क्या कह रहा हूं, आगे किसी को भेजो ही मत, किसी को मत भेजो, ना भेजो, जो जा रहे बस जाने दो, क्योंकि इधर से आके डिस्टर्ब मत करो, इधर सब जो सुन रहे हैं उनको तकलीफ हो जाए। ये बहुत अच्छा जगह है एक्चुअली, यहाँ पे मंदिर बना देना चाहिए और टेरेस और एक बना देना चाहिए, वहां कथा रहेगा। नीचे प्रसादम, तो जिनको प्रसादम जाना नीचे खिला देने का, ऊपर में लेक्चर। तो यहाँ पे जो मयूर ध्वज तो बहुत नाराज हो गए बेटे पे, मंत्रियों पे, तुम लोग को समझ नहीं है क्या, इतना बड़ा वैष्णव हमारे दरवाजे से ऐसे जा रहा है। तो बोले ताम्रध्वज तू मुझे मुंह मत दिखाओ, तो सब शोकाकुल हो गए थे। उतने में दो ब्राह्मण आए, दोनों ब्राह्मण आए राजा के दरबार में। बोले राजा हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, ऐसा कहते दानवीर मयूर ध्वज, कर्ण से भी बड़ा दानी माना जाता है मयूर ध्वज को। देखिए उसका दान देखिए कहां तक जाएगा, आध्यात्मिक दान। मयूर ध्वज रोने लगे, दुख में थे कि मेरे कृष्ण के भक्त मेरे पास आए थे और मेरे देखे ऐसा हाल किया, प्रभु मैं इतना बड़ा पापी हूं, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। तब तक ये दोनों ब्राह्मण आ गए और अर्जुन भेष बदल के था, ताम्रध्वज पीछे खड़ा था, उसने देखा नहीं कौन है। कृष्ण बोले जो बुजुर्ग बूढ़े के थे, बूढ़े जैसे आए थे, वो बोले आप ही मयूर ध्वज है क्या? बोले हाँ ब्राह्मण वर्य। बोले आज जो मांगेंगे मैं दे दूंगा, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि आज मैं कुछ भी दे सकता हूं, आप जो मांगिए। तो बोले ऐसा है कि मुझे तो नहीं लगता तुम दे पाओगे। बोलते ब्राह्मण तुम ऐसे बोल दिए, ताली बजाए, ताली बजाते सेवक, अरे तुम लोग मत बजाओ, वो बजाए राजा। वो तीन वो पानी लेके आए, हाथ में जल लिया, बोले मैं इंद्र चंद्र वायु सारे 12 साक्षियों को साक्षी रख के कहता हूं ये ब्राह्मण जो मांगेगा मैं दे दूंगा। तो ब्राह्मण बोला ठीक है, अब तुम इतना घमंड कर ही रहे तो पूछ ही लेता हूं, मांग ही लेता हूं। अब अर्जुन जो था वो सोच रहा था क्या मांगेगा, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, राजा कुछ भी देने को तैयार, ऐसा राजा नहीं देखा। तब वो बोलते हैं सुनो मैं जंगल से आ रहा था और ये मेरा चेला है, ये जो जवान ब्राह्मण है मेरा चेला है, मैं मेरा बेटा और ये चेला तीनों साथ में आ रहे थे, क्या हुआ बीच में बाघ ने मेरे बेटे को पकड़ लिया, उसका शादी इस गांव में होना था लेकिन उसको बाघ ने पकड़ लिया, तो मैंने बोला बाघ इसको खाओ मत, तुम मुझे खाओ, मैं बूढ़ा हूं, मेरे जवान बेटे ने दुनिया नहीं देखा, इसको छोड़ दो। तो बाघ बोला नहीं मैं कुछ और बदले में दोगे तो मैं छोड़ूंगा तेरे बेटे को। तो मयूर ध्वज बोले बोलो क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला मुश्किल है तुम दोगे। बोले ब्राह्मण मैं वापिस कह रहा हूं, मैं भी अपना प्राण ले लूंगा खुद के अगर तुम नहीं मांगोगे तो। बोले ठीक है सुन लो, बाघ ने बोला कि मुझे मयूर ध्वज चाहिए। मयूर ध्वज बोले तो चलो मैं चलता हूं। ताम्रध्वज बोला पिताजी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये आपके दोस्त नहीं, ये ब्राह्मण शत्रु लोग हैं, ये आपको विनाश करना चाहते हैं। मयूर ध्वज बोले ताम्र तूने आज बहुत बड़ा अपराध किया है, तू चुप बैठ, मेरे तेरे से पापी के मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो बोले चलो मुझे लेके उस बाघ के पास और अपना बेटा छुड़ा लो। तो ब्राह्मण बोला ना 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 ना, वो बोला कि आधा मयूर ध्वज चाहिए काट के। तो बोले काट दो। तो बोले ना 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 ना, वो बोला कि उसका बेटा ताम्रध्वज काट के देगा। तब तो ताम्रध्वज और मंत्री बोले पिताजी यह जरूर षड्यंत्र है। बोले कुछ भी हो आज ये दान में देके रहूंगा। इधर अर्जुन रोने लगा, बोले बाप रे बाप, भगवान बोलते छोड़ दो छोड़ दे, क्या चल रहा है? बोले शांत, बोले काटो इसको। और जब काटने लगे, ताम्रध्वज काटने लगा ऐसा, तो बिहार में एक जगह है आरा, आरा पटना से पहले एक स्टेशन आता है आरा, तो उस काटने वाले आइटम को आरा बोलते हैं, हमारे यहाँ कोयती बोलते ना, वो वैसे वो उधर का था मयूर ध्वज, मतलब बिहारी लोग भी अच्छे भक्त होते हैं, काट रहा था। और जब काट रहे थे तो मयूर ध्वज रो रहे थे, तो मयूर ध्वज रोने लगे, तो ब्राह्मण बोला नहीं चाहिए तेरा दान, चल। रो के कोई दान देता है क्या? आपको घर पे कोई खाना खिलाए, खाना खाने के लिए बुलाए और रोके के लिए एक रोटी तो आप खाएगा क्या, अच्छा लगेगा आपको?
मैं तो भूखा मर रहा हूं। तो आप खाएंगे क्या? भगवान बोले नहीं चाहिए तेरा, रोध होके दे रहा है। तो मयूरध्वज बोला, अरे ब्राह्मण वर्य, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपके जैसे पुण्यवान ब्राह्मणों के जीवन के लिए मैं केवल आधा जीवन दे पाया, आधा व्यर्थ जाएगा। ये देखते ही अर्जुन गिर गया पांव में, बोले हटो हटो, ताम्रध्वज को हटाया, बोले आप उठिए। तो भगवान बोले इसको रहा नहीं गया, बोले आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप सम्राट बनिए, मैं आपका रक्षण करूंगा। अर्जुन बोला, तब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया सुदर्शन चक्र लगे। तो मयूरध्वज बोले, अरे शाणे तेरे को क्या लगा मैं पहचाना नहीं, इतना बड़ा परीक्षा कौन लेगा? इसलिए अगर जीवन में बड़ा परीक्षा आ रहा है तो समझो भगवान बहुत नजदीक से आपसे ऑपरेट कर रहे है ना। कई लोग परेशानी आ जाती तो दुख में एकदम डिप्रेशन में चले जाते, लोकल में पागल की तरह खड़े रहते। और उन पागल को संभालने के लिए हमारे पुलिस लोग परेशान रहते। सब लोग कैसे हो जाते हैं, भगवान को छोड़ दो तो फिर सब पागल हो जाते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई मुश्किल सामना आया है, इसका मतलब उसका हल भगवान ने हमको दिया है, तभी वो पेपर में आया है। भगवान का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। आपको जो समस्या आया है उसका हल आप ही के पास है। अर्जुन को भगवान ने लड़ाई में मदद नहीं किया, केवल दिशा दिखाया, बोला करना है तो कर, नहीं तो घर जा। अर्जुन अंत में बोलता है, करिष्ये वचनम तव, धनुष उठाया बाण उधर, ये बाण दुर्योधन के नाम। तो अर्जुन ने अपना लड़ाई खुद किया। अब सचिन को जिसने कोचिंग दिया वो सचिन का गेम नहीं खेला, सचिन खुद जाके खेला। अब धोनी खेलता है तो उसका कोच उसको बाहर से सिखाया, लेकिन धोनी खुद जाके खेला ना, कि उसका कोच आया, ए आता उजवीकडे घे, आता डावीकडे घे। तो वैसे कोई गुरुवर आपको ज्ञान देते हैं, कोई शास्त्र बताने वाले आपको ज्ञान देते हैं, उसका पालन आपको करना है। ये नहीं कि वो रोज आके देखेगा, ये चार दिन किया गया, ये बटन काय को खाता है, चबाने से पहले सोचने का, अरे नको कैंसल, खुद सोचना चाहिए। तो ये ऐसे राजा थे मयूरध्वज। और एक राजा की कहानी बताऊंगा, फिर हम लोग विराम लेंगे। बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों ने पद्मनाभ स्वामी का मंदिर सुना है, जहां सबसे बड़ा ज्यादा सोना है पूरी दुनिया में, सुना है कि नहीं सुना है? 6-7 गेट के अंदर सोना है, मालूम है ना? बोलो श्री पद्मनाभ स्वामी के। तो आप लोगों को कभी मौका मिलेगा तो तिरुवनंतपुरम जाइए, वहां बहुत अच्छा मंदिर है, ठाकुर जी का दर्शन लीजिए। सोना क्या करना है, सोना वेस्ट है, सोना कुछ काम का नहीं है, वो तो भगवान की सेवा के लिए रखा गया था। अभी सरकार लोग का पैसा और सोने पे ज्यादा ध्यान है, लोगों पे कम ध्यान है। लोग मर रहा है, पीड़ित हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं सोना निकल रहा है तो पहला कैमरा टेणे टेणे, आप देख रहे हैं, गए 24 घंटे से हम लोग लगे हैं जी टीवी, ए टीवी, बी टीवी, सी टीवी, सब टीवी लगाए सोने पे। इधर बेचारा कोई तो स्टेशन के नीचे मर रहा है, पार में कोई नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन वो दलित निकला तो फोटो देखो, दलित पानी के बिना मर गया, अरे हो गया, करो लड़ाई। हिंदू मर गया, करो लड़ाई। मुस्लिम मर गया, करो लड़ाई। अरे इधर हर कोई मर रहा है, जो पैदा हुआ है सब मरेंगे, ये तो हम लोग आके लेबल लगा लेते अपने आपको, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तो हम लोग लगाते। भगवान ने थोड़ी बोला किसी को, पूरे गीता में कहीं नहीं लिखा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। भगवान सब जीव की बात कर रहे हैं, ममय वांशो जीव लोके, सब लोग मेरे अंश हैं, एक भी छूटेगा नहीं। तो यहां पे एक राजा थे, इनका नाम था कुलशेखर। वो जो सोना आज आप देख रहे ना अंदर में, वो राजा कुलशेखर ने रखा था। आज भी उनका जो परंपरा है वही लोग राजा हैं, उनके घराने से वो डेटा लीक हुआ, तब वो लोगों को पता चला। तो ये जो राजा थे इतने अच्छे भक्त थे, कभी कभी लोगों को लगता है कि राजा वाजा पॉलिटिशियंस का काम है, ये लोग भक्त नहीं बन सकते। युधिष्ठिर राजा थे, अच्छे भक्त थे। भीष्म राजा जैसे थे वो अच्छे भक्त थे। कुलशेखर ये राजा थे, ये अच्छे भक्त थे। कुलशेखर ऐसे राजा थे, दिन में 3 बार जाके मंदिर में प्रणाम करके भगवान को सब कुछ बताते थे, आज मैंने ये किया, ये किया, इसको ये न्याय दिया, इसको ये दंड दिया, इसको सम्मानित किया, 3 बार जाते थे। दयांस्तु वांस्तस्य यशस्त्री सन्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। व्यक्ति को 3 बार जाना चाहिए भगवान और गुरु के पास और अपना चीज बताना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण लोग भी दिन में 3 बार गायत्री करते हैं।
तो यहां पे राजा कुलशेखर इतना अच्छा भक्त था, रोज अपने महल में भागवत रामायण महाभारत इत्यादि का पाठ कराते थे। तो अलग अलग ब्राह्मण थे, कोई महाभारत पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, तो कोई वेद पाठ करने वाले, कोई रामायण पाठ करने वाले। तो एक दिन क्या हुआ, रामायण वाले का टाइम आया, तो रामायण वाला चालू हो गया कि कैसे राम और सीता का विवाह हो गया। वो लोग गए, उनको वनवास हो गया, कई कई के बोलने पे वनवास हो गया। और एक दिन रावण आया, सन्यासी का भेष लेके आ गया, और वो सीता को उठा के लेके गया, लंका की तरफ बढ़ा। कुलशेखर का प्रॉब्लम क्या था कि वो कथा इतने ध्यान से सुनते थे कि वो रामायण में प्रवेश कर जाते थे। आप समझा क्या, वो लीला हो रहा है वैसा लगता था कि वो वहीं बैठे अभी देख रहे सामने। तो जो ही वो ब्राह्मण बोला ना कि सीता को हाथ लगाया, बोले रावण रुक जा मैं आ रहा हूं। ये भाव देखो उधर से भी, वो रावण का गैंग है, बोलते रावण रुक जा मैं आ रहा हूं। वो भाव में चले जाते थे, एकदम भाव में सुनते हो, भाव में। ऐसा नहीं था कि कथा सुन रहे हैं आप, पंडित कब खत्म करेगा नाश्ता खाने का है, अरे क्या ये पंडित लोग एक भी एक भी, ऐसा नहीं था। वो सुनते थे, और बताओ। वो बोलने लगे, तो अब मंत्री लोग उसको बोले ब्राह्मण चुप, बोले रे चला गया अंदर में, अभी अलग दुनिया में चले गए। राजा बोले कुलशेखर मंत्रियों युद्ध के लिए तैनात हो जाओ, आज के आज लंका को परास्त करना है, रावण के सब बोटी बोटी काट के फेंकना है। अब मंत्री लोग बोले कि अरे ये चला गया उधर लंका में तो कोई मिलेगा नहीं, वैसे भी राजपक्ष हार गया, कोई और प्रेसिडेंट है कोई और ले लेगा। तो मंत्री लोगों ने एक आइडिया किया, क्या किया, उनका ही एक टोली आगे भेज दिया, उसको उल्टा भाग के आने को बोला, विजय पताका लेके ऐसा ना घोड़ा जीत गए करके। यहां से राजा चाहता है रावण, वहां से वो लोग आ रहे झंडा लेके, अरे राजा हम लोग जीत गए, रावण को मार दिया, सीता वापस अयोध्या चली गई, बस मेरे शेरो वाह खुश हो गए, उनको सब सोना चांदी सब दे दिया उनको, बोला वाह बहुत अच्छा। और तब से मंत्री ने ब्राह्मणों को बोला रामायण कैंसल, आज के बाद रामायण पढ़ने का नहीं। अच्छा पढ़ने का ना, तो सीधा विवाह के बाद सीधा अयोध्या में वापिस आके लवकुश के पास भेज देने का, ये बीच वाला सीन नोको अपने को, वानर सेना नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, अच्छा वापिस महाभारत हुआ, पुराण पढ़ के हुआ रामायण का बारी आया। और जब रामायण का बारी आया, वो बेचारा ब्राह्मण बीमार गिर गया, जो बूढ़ा ब्राह्मण था जो पढ़ता था उसको मालूम था, अपने बेटे को बोला बेटा तुम जाओ, तो बेटा आ गया, बेटे को किधर मालूम था ये हुआ है, बेटा बोला और राजा पढ़ रहा है, मंत्रियों को लगा कि बाप ने बता के भेजा होगा, नहीं पढ़ना है ये बोल रहा, और ऐसे हुआ और वो जंगल में गए। तो मंत्री लोग बोले अरे, बोले हाँ गए, बोले नहीं गए लिखा है वाल्मीकि जी लिखा है। फिर बोले रावण सन्यासी का रूप लेके आया, कुलशेखर ऐसा गुस्सा होता ना, ऐसा गुस्से हो गए। मंत्री लोग बोले आई शपथ, आता हमसे राजा जी सटकली अब गया, और वो गुस्सा और आता कुलशेखर, बोले फिर क्या हुआ पढ़ो ब्राह्मण। तो बोले उसने सीता को उठा के लेके गया, बोले रावण इस बार मैं मारूंगा, कोई आगे नहीं जाएगा। अब मंत्री बोले यार अभी तो अब तो कोई जा भी नहीं सकता, बोले चलो सब तैयार, मंत्री मंत्री को तो मालूम है कुछ है नहीं, लेकिन अपना राजा उस दुनिया में चला गया, सब घोड़े में तुक आज झंडा लेके, बोले तलवार लेके, एकदम एक होता है ना लाइक आपके घर में कोई आपके बहन को हाथ लगा दे भाई को, तो आप कैसे रहते हो, हॉकी स्टिक लेके जाते कि नहीं जाते, तू जाता है गाड़ी लग किक मारे, बीच में लोग बोलते नौकर रहो दे चुप, ए पक्के भाई ये चार पांच हॉकी स्टिक मारने के बाद थोड़ा शांति मिलती। वैसे कुलशेखर को माता सीता के बारे में सुन के ऐसा आंख बबूला हो रहा था, तलवार लेके एकदम ऐसा लग रहा कब भौंकेंगे। रामेश्वरम आ गया, समुंदर आ गया, वो पानी में चल के जा रहे, रावण इधर पानी इधर तक आ गया, सीधा सीता राम लक्ष्मण प्रकट हो गए, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, प्रकट हो गए, बोले कुलशेखर देखो मैं सीता को वापिस ले आया, बोले प्रभु राम जय हो, जय श्री राम, बहुत खुश हो गए। तो बोले प्रभु आप मेरे साथ चलिए महल में, ये बार बार सीता को किडनैप कर रहा है रावण
तो बोले कोई चिंता नहीं, जो पद्मनाभ स्वामी के रूप में तो मैं ही हूं, तुम वही मेरा सेवा दे दिया करो। तो जितना सोना होता था राजा कुलशेखर भगवान को देता था, और उनका एक किताब है मुकुंद माला स्तोत्र, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा कुलशेखर का, वाह क्या गीत लिखते हैं। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आदैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समयेक पवात पित्तै कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान, मेरा मन जो है उसको हंस की तरह बनाइए जो आपके चरणों में लगा रहे, क्योंकि अंत समय में तो गला कफ वात पित्त से भर जाएगा, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, कम से कम मैं आपका स्मरण कर लूं। ये वो राजा थे। तो भगवान और भक्त का जो रिलेशन है वो एकदम अलग है, वो प्यार का संबंध है। तो हमारा जीवन एक तो क्षणभंगुर है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलता है, उसको भी ठीक से नहीं यूज किया तो फिर वापिस कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। ज्यादा गर्लफ्रेंड के पीछे भागा तो फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, ताकि 10-12 कुत्ते के पीछे घूमने रहते, ऐसे ये तो बंदर बनना पड़ेगा, एक पेड़ से वो पेड़। लोग कॉलेज में करते ना, क्लासरूम इधर रहता रहते किसी और क्लासरूम में, अरे अपनी छावी हो गया। तो यमदूत बोलते हैं बेटा रुक, डंडा लेके मारे, अलग से मारते। ऐसा कहते हैं अगर कोई बहुत दारू पीता है तो उसको नरक में, ऐसा नरक है जहां पे उसको उबाला हुआ लोखंड पिलाते। बोलता है नको, बोले लेना एक पैग आइस डाल के दू क्या, आइस बाल डांसर चाहिए, हम लोग नाचते ना, आजा आजा नको। उसका मुंह खोदे चिल्लाता है, तो बोलते अरे ये तो एक ही पैग है, ये तो पकिया वाला है, मणे वाला बचा है अभी। अब मणे के बाद त्रिवेणी वाला थोड़ा सा, किधर वो त्रिवेणी संगम, किधर ये देवा। मेरे को कोई बोला प्रभु जी आपको प्रोग्राम में आना है, बोला किधर, देखा तो त्रिवेणी बार, बोला इधर भी लेक्चर है मेरा। बोला ये कलयुग आ गया, गुरु लोगों को इधर भी जाके लेक्चर देना पड़ेगा। तो ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, वैसे तो समय बहुत हो गया है आप सबको, अभी यहाँ डांस होगा, ड्रामा होगा, कीर्तन होगा, जगन्नाथ जी का दर्शन है, भक्तों की इच्छा है हम और कथा करें आप। नहीं नहीं वैसा ठीक है, लेकिन क्या है आयोजकों को भी देखना पड़ेगा, उनको अगली बार भी आयोजन करना है, और साउंड लिमिट भी होता है ना। तो 15 मिनट और है, 15 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, है ना, उसी के बीच में कथा घुसड़ दूंगा, टेंशन मत लो। हम प्रीचर लोगों का है ना, हरे कृष्ण वालों को कैसा पहचानने का मालूम है, तुम ट्रेन में जा रहे लोकल में जा रहे, हरे कृष्ण वालों को कैसा पहचानने का, समझो तिलक नहीं लगाया, कंटी नहीं पहने, फिर भी हरे कृष्ण है, कैसा पहचानने का, समझो जब भी नहीं कर रहा, समझो लोकल में, तो कैसा पहचानने का। उसको सिर्फ इतना ही पूछने का भगवान कौन है, और 4 घंटा आज जवाब देगा तेरे को, तो समझ लो वो पक्का हरे कृष्ण है। आप किधर भी जाओ, हमारे डिवोटी लोग किधर भी कंपनी में रहते ना, साइड वाले को चिपकाते रहते, बोले इधर ये फोटो ले रख, तेरे को मालूम है कृष्ण भगवान इधर आ, बोलते अरे हरे कृष्ण अरे। मैं भुवनेश्वर में था तो उधर से मुझे ओरेकल में जॉब मिला, ओरेकल बॉम्बे बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तो मेरे को पहला दिन जब ऑफर लेटर लेके गया तो मेरा मैनेजर मेरे को देखा कंटी माला है, बोलते नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, 4 नियम मेरे को पढ़ा रहा था। बोलते अरे मेरी पहली गर्लफ्रेंड भी ड्यूटी थी और पनौती तू भी ड्यूटी। तो मैंने बोला ए शाणे तू अपना काम बता, मैं मेरा पगार लेगा, चल तू तेरा काम कर, ऐसा है बस। किसी का कोई सवाल जवाब होगा तो कर सकते हैं, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कल भी बहुत बच्चों ने पूछा, बहुत अच्छा लगा, पहले दिन सब डर गए थे, कोई पूछा नहीं, किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नाभि से चिल्ला के पुकारना भगवान को, जैसा बच्चा होता है ना, बच्चा वो अगर माँ को पुकारना चाहे तो कैसा रोता है बच्चा, जोर से चिल्लाता है तो मम्मी आती है, लेकिन कोई बच्चा धीरे से चिल्लाए तो मम्मी ध्यान नहीं देने वाली,
वैसे हम लोग भी भगवान के लिए जोर से चिल्लाएंगे तब भगवान ध्यान देंगे। तो इसलिए हम लोग भगवान के लिए चिल्लाएंगे कहां से? हाथ ऊपर करिए, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का सवाल है अभी हाथ ऊपर करिए। टाइम पास क्या है, देव पूछ उसको क्या है उसका। बहुत अच्छा, ये तो तूने जवाब ही दे दिया। किसी का कोई सवाल? ये बच्ची के लिए ताली बजाए पहला। अरे बैठो, बच्ची के लिए बोला तो सब खड़े हो गए। वो ऐसा है, उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजवा रहा हूँ, नहीं तो वो लोग बहुत आराम से पूछा। पूछो पूछो जल्दी पूछो। देखो ऐसा कहते हैं भगवान गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कि अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरण करे तो वो मेरे धाम में आ जाता है, लेकिन केवल स्मरण नहीं, वो भाव से। मतलब ऐसा नहीं कि भाव कुछ और बीच में हरे कृष्ण बोल दिए। क्योंकि मैंने एक जगह गया था कीर्तन के लिए झारखंड में, तो जागरण वाला कीर्तन था, तो मेरे को एक घंटा पिटाया, मैं भी एक घंटा किया, मेरा टीम निकला, दूसरा टीम आया, वो लोग रात भर गा रहे थे। तो मैं उनको गाने वाले को पूछा, आप लोग इतना रात भर कैसे गा लेते? बोलते हैं क्या बाटली। मैं बोला अरे बाबरे। तो कभी कभी हम लोग एक्सटर्नल लेते, लेकिन भाव होना चाहिए भगवान के लिए, आंख से आंसू आना चाहिए। नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदक दरिदया गिरा पुलकैर्निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेते ही मेरे हृदय में कंपन और आंख से आंसू आ रहे हैं, तो प्रेम है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई बच्चा है वो बहुत दिन हॉस्टल में रह गया और घर आता है तो माँ रोने लगती है, देखा आपने, तो उसको देख के बच्चा भी रोने लगता है। या कभी कभी हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं, 6 महीना वो यूएस में गया और बेचारी यही है, जब वो एयरपोर्ट पे लेने जाते दोनों आलिंगन देकर रोते हैं कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं, अगर उसका कोई और नहीं रहेगा तो। अगर वो नहीं रोई तो समझा ऐसा फिक्स है किधर। टेस्ट है, टेस्ट बाइको टेस्ट, वो लिटमस टेस्ट रहता ना वैसा। वो खुश हो गई ना पति को देख के, वाओ, तो समझने का वो आपकी है। बोलते हैं आ गए नहा लीजिए, मतलब गया बेटा तू, तेरा रिकॉर्ड साफ नहीं है। एनीवेज वो मेरा काम नहीं है, वो गृहस्थों का काम है। तो अगर कोई मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं करता है तो कर्मों के हिसाब से जाता है, लेकिन अगर वो खुद याद नहीं कर पाए तो भगवान कहते हैं लेकिन उसने इतना सेवा किया है कि वो भगवान को प्रिय हो गया है, तो भगवान उसके पास जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं अंत में। ऐसा कहते हैं शिवजी बनारस में, अगर कोई प्राण त्यागे वाराणसी, वरण और अस्सी नदी के बीच में, गंगा वरण और अस्सी नदी के बीच में, आप देखिएगा बहुत घर है, बहुत घर है, मतलब इधर से लेके उधर के बीच में 10,000 लोग रहते, ऐसे घर है, घाट है, घाट 10-12 किलोमीटर लंबा तो घाट है, 80 घाट है 80। बाद में मायावती ने और 2 बनाए थे लेकिन वो बाद में गंगा से बह गए। 80 घाट है, 10 किलोमीटर का लंबा घाट। वाराणसी में एक वरदान है, अगर कोई वाराणसी में देह त्याग कर दे और वो भगवान को याद भी ना करे, शिवजी डमरू बजाते बजाते उसके कान में बोलते हैं राम राम, बोलो नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। ये महादेव जी की कृपा है, अगर कोई उनका भक्ति करता है उसको भी उनको विष्णु का स्मरण करवा देते हैं, तो भगवान उनको याद दिला, उनको मुक्ति दिला देते हैं। इसी मणिकर्णी का घाट है, वहां पे किसी को अगर अग्नि दिया जाए वो मुक्त हो जाता है, सोचो। लेकिन हम लोग क्या है, अरे इधर ही जला दे रहे स्मशान भूमि विले पार्ले, लोगों को किधर लेके जाएगा, खत्म, तो अलग है। तो इसलिए हमको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जीवन भर, देखिए जो काम हम जीवन भर करेंगे वो अंत में करेंगे। लेकिन आप सोचिएगा कि मैं जीवन भर पाप करूंगा और अंत में जाके सत्संग में बैठ जाऊंगा। लेकिन एक आदमी था जो अंत में सत्संग में बैठ के भी भक्त बन गया था, सुनेंगे उसका स्टोरी, ऐसा भी था। इसलिए हर पापी को भी यहां चांस है,
ये ऐसा जगह है कि यहाँ कोई पापी भी आ जाए भगवान का नाम ले तो शुद्ध हो जाएगा। एक डाकू था, डाकू, ये बहुत 300-400 साल पहले की सच्ची घटना है। ये जो डाकू था वो मालूम है आपको, पिक्चर देखते हैं मुच्छी रहता है, इधर वो रहता है बंदूक राइफल, तो चाकू वाले डाकू थे, किसी को भी काटते थे लूटते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके ऊपर रेड बोल दिया गया, जो राजा के सिपाही थे उन्होंने रेड डिक्लेयर कर दिया कि रेड करना है इनको, जहां दिखे मार डालो। वो योगी सरकार की तरह तब का शूट एट साइड, तो उन्होंने रेड बोल दिया। तो ये डाकू लोग का जो सरदार था क्या बोला, सुनो सब लोग गायब हो जाओ, भेस बदलो और 6 महीने बाद उधर 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 मिलेंगे। बोले ठीक है, तब तक अपना अपना जीवन निकालो। ओके बोले सर सरदार, यस सर। सब गए। अब ये डाकू बोला मैं तो बहुत बड़ा डाकू हूं, मैं जिधर भी जाऊंगा दुकान में किसी के घर में तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। ये बोला मैं भक्त बन जाता हूं। वो चला गया सत्संग में, ऐसा कथा चल रहा था वहां वो चला गया। अब पंडित जी कृष्ण और बलराम का गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण कितने सुंदर दिखते हैं, बलराम जी कितने सुंदर दिखते हैं, उनके हीरे उनके जवाहरात, इनके बारे में बोलने लगा। अब लेक्चर में क्या होता है, हर आदमी अपना अपना सुनता है। जिसको कृष्ण से प्रेम है वो कृष्ण का सुनेगा, और जिसको हीरे से प्रेम है वो हीरा देखेगा। अब ये डाकू था, इसके खोपड़े में किधर महामंत्र जा रहा था। वो बोला अरे ऐसे बच्चों को इतना हीरा कौन पहनाता है। और वो बोल रहे थे पंडित जी, और कृष्ण जो है वो वृंदावन में रहते हैं, और उनका जाना जा रहे हैं नहीं, तो कृष्ण जो है वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावन यहां से ऐसा से इस दिशा में है, और भगवान शाश्वत काल से वहां से वास करते हैं, वहीं पे रहते हैं। अब ये डाकू बोला इतने से बच्चे और हीरे, एक नंबर काम है अपना, 6 महीना निकल जाएगा इसमें। और उनके बच्चे को क्या ट्रॉफी दिया तो भी निकल के दे देगा, चाकू आपको दिखाने क्या जरूरत है। वो बाद में लेक्चर के बाद गया और वो पहना था ऐसा, दिखना नहीं चाहिए करके ऐसा। बोले पंडित जी पहला तू, बोले हाँ आशीर्वाद, एड्रेस थोड़ा ठीक से बताना। बोले किसका, बोले वो अभी 2 बच्चों का बताना, थोड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट, 50-50 हमारे धंधे में इम्पोर्टेंस, इक्वल। तुम एड्रेस बताएगा, माल लाएगा, 50-50 देगा, मेरा वर्ड है। बोले क्या लाएगा, अरे वो बताए ना तुम इधर ये बात ये वो सब हार वार वही चाहिए। किसका, बोले 2 बच्चे का बोला ना, बोला कृष्ण बोल रहा। बोला अब बोला तो वो पंडित ऐसा देखने लगा, बोले क्या है ये, कैसा आदमी है, पागल है क्या, 5000 साल पहले की बात है अभी देख रहे। तो इसको लगा डाकू को ये पंडित बताएगा नहीं, तो उसने धीरे से चाकू निकाला ऐसे अंदर से, बोले बताता कि इधर ही भोग तू। पंडित जी बोले यार इसको भगाओ। बोले सुन ऐसा कर, इधर जा उधर से, उत्तर प्रदेश से मथुरा से उधर वृंदावन, जा जा भाई जा तू, क्योंकि तेरे को जाने में ही लग जाएगा टाइम। ये गया ढूंढते वृंदावन, और रास्ते में नाम नहीं भूलना चाहिए, इसलिए वो डाकू क्या बोलते गया, कृष्ण बल राम जय हो, कृष्ण बल राम, कृष्ण बल राम जय हो, कृष्ण बल राम। सभी लोग कृष्ण बल राम जय हो, कृष्ण बल राम, कृष्ण बल राम जय हो, कृष्ण बल राम। तो कृष्ण बलराम बोलते बोलते वृंदावन पहुंच गए, और जब वृंदावन पहुंचे तो आवाज देने लगे कृष्णा बलराम, कृष्ण बलराम। उतने में क्या हुआ, 2 बच्चों के चलने क्या हो जाए, छन 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 छन। और ये जो डाकू था ना एकदम बोला क्या बच्चे इनको क्या मारना। दोनों कृष्ण बलराम आए और ये डाकू ऐसा देखने लगा, ये डाकू है देखो कैसा हम्बल हो गया, वो देखते रह गए बच्चों को। तो ये आके बोले तुमने हमको पुकारा, बोलते यार तुम लोग पंडित जैसा बोला वैसे ही दिखते, बोले घुंघराले बाल, तेरे हीरे नीरे, तेरा गले लगाया। बोले यार तुम लोग इतना प्यारे हो, मैं तुम लोग को कभी नहीं मार सकता। तो बोले तुम हम लोग क्यों मारोगे, तो बोले अरे मैं डाकू हूं ना। ओ बोले लेकिन हम तो सिर्फ भगत लोगों को दर्शन देते हैं। तो बोले हाँ मैं डाकू भगत हूं। बोले डाकू भगत तुमको क्या चाहिए, बोलते तुम लोगों का चेहरा देख के तो कुछ मांगने का मन नहीं कर रहा है सब, लेकिन अब पंडित जी से टाइप हुआ है तो एक काम कर, तुम्हारा हीरा जो सब निकाल के दे दो।
तो बोले अरे मैया मारेगी ना, तो हम ऐसा करते हैं हम मैया को पूछ के ना कल लेके आएंगे। बोले ठीक है जाओ जाओ जाओ, और मिठाई मिठाई लाके खिलाए। बोले ये खाओ तुम लोग। तो बोले अरे डाकू तुम कितना प्रेम करते हो, हमको प्यार से मिठाई खिलाते हो, हम कल जरूर आएंगे। दूसरे दिन वापिस कृष्ण बलराम आए, आज सब एक थैले में निकाल के दे दिए। बोले हमारी मैया बोली भगत लोगों के लिए तो हमारा जीवन है, तो हम तुमको दे देते हैं। तो देख के वो ऐसा चुम्बन लिया कृष्ण बलराम को, देख के एकदम गले से लगाया, उसको पता नहीं क्या हो गया। गया वापिस दूर दूर तक, वो गांव में गया, पंडित को बोले पंडित इधर आ। पंडित जी बोले क्या काम फिनिश, लेकिन अपने को ना हार वार तोड़ने का नहीं है, तू उसमें से कुछ ले ले, मैं कुछ ले लेता है। तो बोले क्या हार, वो बोले किधर येड़ा है, अभी 5000 साल पहले का बात किया, अभी का बात। खोल के देखा तो वही सारे हीरे जवाहरात जो भागवत में लिखे गए थे वही उसमें है। वो देखा तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले क्या पंडित तू बोला तब तो मैं उधर गया। बोले नहीं, बोले चल मैं तेरे को दिखाता हूं। ले गए उसको भी वृंदावन, और वृंदावन जाते उसने आवाज दिया कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। और क्या आवाज आया, छन 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 छन, भगवान सामने आए। बोले अरे डाकू भगत तुम वापिस आ गए। बोले हाँ, अरे देखो क्या है, ये पंडित जी है ना, ये तुम्हारा एड्रेस बताया था। तो पंडित देख रहा है कि ये किसी से बात कर रहा है लेकिन वहां कोई है नहीं। तो बोले अरे डाकू क्या उल्लू बना रहे, वहां तो कोई नहीं है। बोले क्या बात कर रहे, इधर क्या, अरे दोनों इधर देख, घुंघराले बाल देख, देख इधर ही है। तो बोलते अरे तुम दोनों इसको दिखाई क्यों नहीं देते। तो बोले डाकू ऐसा है ना, ये पंडित तो जरूर है लेकिन इसको मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है। हाँ तू डाकू है लेकिन मेरे ऊपर श्रद्धा है, इसलिए मैं तुझे दिख गया लेकिन इसको नहीं दिखा, ये अभी भी उस वेदों को रट्टने में ही लगा हुआ है। तो बोलते लेकिन ऐसा मत कर यार, इसको नहीं दिखेगा तो उसको लगेगा मैं झूठ बोला। बोले ठीक है तू बोल रहे तो हम तेरे वजह से इसको दर्शन दे देते। और उसको भी दर्शन हो गया। पंडित देखते धम्म करके गिर गया, बोले प्रभु। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, तो देखो एक डाकू भी भक्त बन जाते। तब वो बोला, तब वो पंडित बोला अरे डाकू ये कृष्ण बलराम ये भगवान है। तो आयुष इतना बड़ा डाका मारा सीधा भगवान के गले में। तो इसलिए अगर कोई अपने तरफ से आप अपना जीवन भक्ति में बिताएंगे तो अंत में अपने आप आपको भगवान याद आएंगे, लेकिन अगर आपने पूरा जीवन अच्छे से नहीं बिताया है तो कम से कम जो बचा हुआ जीवन है उसको तो अच्छे से बिताइए। अरे सुधर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ संसार में। आपने लोगों को गाली देना बंद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है? साइड वाला बोलेंगे अच्छा आदमी सुधर गए, अरे अच्छी लड़की मिलेगी शादी को। हाँ सीटी मारना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, कुछ बिगड़ने वाला है क्या? तो अच्छा काम करेंगे तो कुछ बुरा नहीं होने वाला। और भगवान का नाम ले लिए तो और सोने से सुहागा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए जीवन में जितना हो सके उतना हमको भक्ति में कार्य करना चाहिए। और किसी का कोई सवाल? एक उसको माइक दे दो, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन। अच्छा हरे कृष्ण, तो हो गया हरे कृष्ण, समय समाप्त। प्रश्न यहीं पर विराम करेंगे और